Well. रहे हो अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई काफी अच्छे से रख रहे हो आज है दो अगस्त आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है आई एन ए बहुत शानदार रहने वाला है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कवर करूंगा जो कि करेंट और स्टेटिक का मिक्सचर रहेंगे और आर्टिकल के एंड में जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप लोग तब दे पाओगे अगर आप लोग टकटकी लगाकर सुनोगे तभी आप लोग उनको अडेप्ट कर पाओगे और इससे तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ आज कुछ नया सीखा है तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा और आज का दिन कैसे आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं यानी कि एक प्लानिंग की है क्या आज के दिन के लिए अगर नहीं तो बैठकर जब भी ये वीडियो देखो प्लानिंग जरूर करना और कोशिश करना कि एक बार कल का दिन कैसा रहा उसको भी रिकॉल करना इससे ये पता चलेगा कि आप लोग अपने टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये डेली प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो मैक्सिमम दुनिया से तो आधी जनता से वैसे आगे रहते हैं तो इसको आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और फिर यहाँ पर इसका एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देखना आप लोगों की लाइफ जो है कितनी शानदार तरीके से आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आती है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक सीधी सीधी बात यार यहाँ पर ये यह जब भी जिंदगी में आप लोग कुछ करने जाएंगे ना आप लोगों के दिल और दिमाग के बीच में एक जंग रहेगी कि ऐसा कर लेते हैं नहीं यार इसको रहने देते हैं दिल करेगा काम कर लेते हैं ऐसा दिमाग कहता है नहीं यार ये सही है तो दोनों के बीच में जंग लाजमी है तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए सही क्या है और उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा टिककर रहना पड़ेगा मैक्सिमम ये जंग तब होती है जब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी ज्यादा नहीं होती है तो अपने थॉट्स को लेकर अपने गोल को लेकर अपने माइंड में जो है थोड़ा सा थॉट्स क्लियर रखो ताकि अपने टारगेट को जब आप लोग अचीव करने जाओ तो आप लोगों के मन में दूसरी भावना ना आए कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं ये छोड़ के वो कर लेते हैं तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए ठीक है और बाकी नया महीना जो स्टार्ट किया कैसा लग रहा है अभी एक एक दिन जो है आप लोगों के सामने निकल जाएगा अगर ढंग से काउंट नहीं करोगे इसलिए बोलता हूं एक एक दिन जो है वो आप लोगों को अच्छे से काउंट करके चलना है ठीक है और अभी एक इंपॉर्टेंट यहां पर वीक है जो कि एग्जाम में आप लोगों से पहले क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है और आगे आने वाले टाइम में भी यहां पर इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं खासकर बात की जा रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में यानी कि जो माँ होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है आप लोगों ने सुना होगा जच्चा और बच्चा दोनों जो है स्वस्थ रहने चाहिए तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो एक से लेकर सात अगस्त तक यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है पूरा क्यों क्योंकि एक अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनको माँ का दूध मिल सके और आप लोगों को बता दूं यहां पर यह माना जाता है कि स्टार्टिंग के छह महीने मां का गाढ़ा पीला जो दूध होता है वो बच्चों के लिए एक पूरा बैलेंस डाइट का, का काम करता है तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मां का दूध मिल जाए बच्चे को तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है बच्चे के लिए पर लेकिन आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जैसे डेटा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बच्चों को मां का प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से इशू देखने को मिलता है तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है और कैसे चीज़ें पॉसिबल है खासकर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चीज़ें थोड़ा सा फोर्स करनी पड़ती है एक कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करनी भी चाहिए और कहीं ना कहीं क्योंकि अगर बच्चे को माँ का दूध मिलेगा तो उससे बेस्ट उसके लिए कुछ नहीं है तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लिए काम तो करना पड़ेगा एजुकेट करें और सपोर्ट करें दोनों ही जरूरी हैं वरना दिक्कतें फिर देखने को मिलती है आने वाले टाइम में बच्चे के लिए और माँ के लिए भी और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोग आप लोग सुनकर हैरान होंगे ये माना जाता है कि अगर माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर और भी कई सारे जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है मां की वो कम होती है यानी कि मां और बच्चे के लिए दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ठीक है एक क्वेश्चन आ रहा है मन में पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पर फिर भी पूछ लेता हूँ आप लोगों ने कितने दिनों तक मतलब मम्मी का दूध पिया है मैंने बहुत लंबे टाइम तक दूध पिया है ठीक है मतलब इन्हें एक तरीके से कहते हैं कि ये बच्चा ना ये दूध नहीं छोड़ने वाला है मेरी वो हालत रही है कुछ कुछ आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली दूध नहीं मिल पाता है माँ का तो वो भी बात है अगर आप लोगों को मिला है तो कोई बोले ना कि माँ का दूध पिया गया कि हाँ भाई साहब बहुत अच्छे से पिया है ठीक है तो एक तरीके से कि रग रग में माँ का दूध ही दौड़ रहा है चलिए जो भी है पर लेकिन ये काफी जरूरी है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हैं खासकर वुमेन हेल्थ के के बारे में भी कुछ के भी कुछ लिखने लिए आए वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला था डेली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा करूंगा इससे आप लोग ये पर्सन इन न्यूज भी कवर हो जाएंगे अभी ये जो पर्सनैलिटी है काफी ज्यादा न्यूज में है इनके बारे में हालांकि आप लोगों को पढ़ाया भी था अभी तो आप लोगों को बताना है कि ये कौन है और क्यों है न्यूज में ये अभी किस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए इससे पहले किस पोस्ट पर थे बाकी जो कल मैंने पूछा था उसका आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अच्छे से देने हैं पूजा के द्वारा बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए ये काफी डिटेल में आंसर दिए गए मतलब पर लेकिन इनके द्वारा एक गलती कर दी गई है जो मैं कमेंट पिन करता हूं ना जैसे मैंने कुछ लिखा है और मैंने अपना कमेंट पिन कर दिया कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसके नीचे इनके द्वारा अपना जो है बेसिकली कमेंट किया गया जिसकी वजह से इनका कमेंट मैं पिन नहीं कर पाया ठीक है तो अलग से कमेंट आप लोग कर दे कीजिए ना कि उस कमेंट के नीचे आप लोग कमेंट करें जो मैंने पिन कर रखा है आंसर खासकर आप लोग ठीक है ताकि आप लोगों के आंसर जो है अगर अच्छे हुए तो मैं उनको पिन कर सकूं क्योंकि मेरे कमेंट के नीचे अगर कमेंट कर रहे हैं आप लोग आंसर तो वो पिन नहीं हो पाता है तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग कोशिश आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा सुधारोगे क्योंकि आंसर बड़े अच्छे से दिए गए तो मेरे वाला जो कमेंट है उसके नीचे जाकर आप लोग को देखना है ठीक है और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कभी मैं भूल जाऊं फिर आप लोगों के लिए यहां पर कंप्लीट जुलाई का करंट अफेयर आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं काफी डिटेल में कवर किया गया इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और पुरानी भी सारी मंथली जो वीडियो है वो आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगी डेढ़ दो साल से भी ज्यादा की ठीक है तो सारी आप लोग देख सकते हैं कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों का पास में होता है तो फटाफट एक क्विक रिविजन आप लोगों को ये देने का काम करती है तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ठीक है पीडीएफ जो है वो मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा टेंशन मत लीजिएगा वीडियो के एंड में आप लोग को वो देखने को मिलेगी और इसी के साथ में आज की जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी वो क्या होगी वो है बड़ी ही स्पेशल सिटी देश के अंदर में जो काफी पुराने टाइम में बनाई गई थी यहाँ पर ये है चंडीगढ़ ठीक है एक बेस्ट प्लांट सिटी जो बोल सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा रीजन क्या है रीजन आप लोगों को बताऊंगा जब डिस्कस करूंगा इसके बारे में हाँ यार जो ये दूध के बारे में पूछा है इसको अदरवाइज मत लीजिए क्योंकि कई सारे फिर अलग से पता नहीं अजीब से कमेंट करने लगते हैं कि सर क्या पूछ लेते हो क्या बातें करते हो जो भी है अगर नहीं आंसर देना हो को तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो उसको अदरवाइज मत लेना ठीक है आज की जो आप लोग की एथिक्स के रिलेटेड जो कोटेशन है जो कि आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं बोला जा रहा है बी काइंड टू ऑल क्रिएचर ठीक है दिस इज द ट्रू रिलीजन यानी कि रियलिटी में रिलीजन ये है कि आप लोग हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करें यहां पर ये बोला गया है ना कि अपने रिलीजन को सर्वश्रेष्ठ माने क्योंकि हर एक रिलीजन जो है वो अपनी जगह अच्छा है इंसान गलत होते हैं रिलीजन गलत नहीं होता है आप लोगों को मैंने एक कोडेशन ही बताई थी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा नहीं होता है उसको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे और बुरे होते हैं रिलीजन कैसे खराब और अच्छा हो सकता है इंसान जो उसमें रहते हैं उनकी टेंडेंसी कैसी है उसको लेकर वो अच्छा और बुरा होता है अगर कितना भी अच्छा रिलीजन क्यों ना उसके अंदर एक घटिया सोच वाले इंसान अगर रहने लगे तो रिलीजन अपने आप ही खराब हो जाएगा और कितना भी बढ़िया रिलीजन कितना भी घटिया रिलीजन क्यों ना उसके अंदर सोच अच्छी रखने वाले हो तो पॉजिटिव चीजें ढूंढी लेते हैं तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो रिलीजन जो है उसके साथ में अगर बात करें तो असलियत में तो यही है कि जो सबके लिए अच्छी बातें करे ठीक है तो कहीं पर भी एथिक्स से रिलेटेड या रिलीजन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग ये कोटेशन यूज कर सकते हैं और ऐसे के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है ठीक है हाँ स्टार्टिंग की जो वीडियो लगाई थी वो ये बता रही है कि आने वाले टाइम में हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी रह सकती है पूरा एक आर्टिकल छपा था जिसे बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने प्रेडिक्ट किया कि लास्ट सेल्फी कैसी होगी इस धरती के ऊपर जब उसके बारे में पता चला तो देखने को ये मिला कि आने वाले टाइम में धरती जो है कुछ ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पहुंचती नजर आ सकती है जहां पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है बाकी अगर आप लोग यहां पर कौन सा सिम यूज कर रहे हैं ये आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में जियो की धूम मचने वाली है ठीक है क्यों क्योंकि जियो के द्वारा अभी 5G जो ऑप्शन है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जियो के द्वारा किया गया है यानी कि टोटल बोला गया है कि वन पॉइंट करोड़ का यहां पर अभी जियो को यहां पर एक तरीके से जियो के द्वारा जो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट मिला है तो लगभग आधे के करीब आप लोगों को यहां पर जियो का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा ठीक है अगर बात करें भारतीय एयरटेल के द्वारा लगभग यहां पर जियो का आधा इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया ठीक है और यहां पर जो वोडाफोन वगैरह है वो काफी कम में है और जो बोल रहे थे कि गौतम अदानी जो है वो आने वाले है इसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर में तो ना के बराबर उनका यहां पर इन्वेस्टमेंट है इसमें ठीक है एक परसेंट के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम जो है वो जियो के पास में तो आने का मतलब यह है आने वाले टाइम में कि वन जो फाइव लैख जो वन पॉइंट करोड़ जो आए हैं फाइव जी में तो जियो जो है वो डोमिनेट करने वाला है फाइव वाले एरिया में ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो अगर आप लोगों के पास में जियो का सिम है तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिए आने वाले टाइम में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है एक और आर्टिकल आ है फ्रंट पेज पर यहां पर यह है संजय राउत के बारे में आप लोगों को पता है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है महाराष्ट्र का क्राइसिस तो महाराष्ट्र के अंदर कंडीशन क्या है यहां पर अभी शिवसेना जो है जो कि पहले पावर में थी यहां पर हालांकि अभी जो एक नाथ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर है तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के, के केस लगाए जा, के हाँ के जा रहे हैं तो यहां पर जो शिवसेना के जो आज के में एमपी हैं जिसके चलते यहां पर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो यहां पर संजय जो रावत हैं तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्पेरेसी रची जा रही है ताकि शिवसेना को खत्म किया जा सके तो ये इसके चलते न्यूज में आ गया पर लेकिन ये काम का नहीं है काम क्या क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसको कवर अगर आप लोगों को करना है यहां पर तो जाकर ईडी लिखना है सिल्वी पीडिया के अंदर में सारे नोट्स मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोग देखते हैं यहां पर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है कहां, कहां कौन से कौन से कानून इंप्लीमेंट करता है ठीक है इसी के साथ में यहां पर कभी ये बनाया गया था कंपोजिशन क्या है फंक्शन क्या है स्पेशल कोर्ट के तौर पर यहां पर यूज कहता है और इंटरेस्टिंग चीज है हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोनों के नोट्स यहां पर एसली पीडिया पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं तो इसको जाकर आप लोग एक बार देख लेना ठीक है तो ऐसी एजेंसी है डेली न्यूज में रहती है बैठकर एक बार नोट्स देख लेना फिर उसके बाद में साइड में कर देना तो ये चीजें हैं एक छोटी सी बात यार आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए जो ये डिस्कशन चल रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है तो यार इसको बंद कर देता हूं मैं मतलब यूट्यूब चैनल ही बंद कर देता हूं अगर ऐसी बात चल रही है आप लोग खुद देखो कल की वीडियो किस, -किस ने देखी है पहले तो ये बताइए येस या ये फिर नो यानी कि जो कल वीडियो मैंने डिस्कस की थी वो किस किसने देखी है आप लोग ये बताइए आप लोग यहां पर ये देखिए ये जो कंटेंट है जो कल का हिंदू का डिस्कशन है एक अगस्त का ये बोला गया कि इन अप्रोप्रिएट है इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो के अंदर मुझे ऐसा बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इनअप्रोप्रिएट थी ये कल मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के द्वारा मेल किए गए कि सर जब भी वीडियो खोल रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट बनकर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया ना कि एक तरीके से जो वीडियो है उसके अंदर मैंने कुछ गलत पढ़ा है तो मैंने इसके अंदर कुछ गलत क्या पढ़ा है वो चीज़ आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक तरीके से मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार मतलब ये मतलब क्या है इस चीज़ का आप लोग ये बताओ एक मिनट के लिए ये यूट्यूब दिखा रहा है बच्चों को वार्निंग वीडियो इनअप्रोप्रिएट है इसका मतलब वीडियो को लोग जो है ए, रिपोर्ट कर रहे हैं यहां पर आप लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा और मैं बोलूंगा ये सारी जो है गलती आप लोगों की है क्यों क्योंकि आप लोगों मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है एक लाख लोग लाइक देख रहे हैं दो तीन चार पांच हजार लाइक एक लाख लोग वीडियो देख रहे हैं दो तीन चार पांच हजार लाइक आ रहे हैं तो इसकी वजह से फिर यूट्यूब क्या कर रहा है यूट्यूब ये हरकतें करना स्टार्ट कर दे रहा है कुछ क्योंकि रिपोर्ट करने वाले ज्यादा हो जाते हैं जो वीडियो को रिपोर्ट कर रहे होंगे तो ये बहुत सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया अगर मुझे कि सर ये हर एक वीडियो जब भी वीडियो खुल रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि ये इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है क्या इसको कॉन्टिन्यू करना चाहते हैं क्या भाई साहब यहां पर कोई कोई सेक्चुअल मूवी चला रखी है क्या मैंने इसके इसके अंदर वीडियो के अंदर में ऐसा क्या है इसके अंदर में तो आप लोग समझ सकते हैं तो जो वीडियो रिपोर्ट की जाती है यहां पर उसकी वजह से यहां पर ये बोलने लगता है फिर इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट है बोल दिया इसने तो जरा सी देर में कल को चलकर चैनल साइड में हो जाएगा फिर बोलते रहना क्या रह गया ये अब ये बात पता है क्या होती है जब सही इंसान जो है ना चुप रहता है कुछ गलत होने के बाद में तो तब ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है अगर आप लोग चुप हैं कुछ गलत होते हुए भी, भी तो इसका मतलब है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को जो चीजें मैं बोलता हूं यूट्यूब को कैसे पता चलेगा वीडियो सही है गलत है आप लोग ये कमेंट करने से आप लोगों को लाइक करने से डिसलाइक करने से तो वही आप लोग नहीं करते हैं तो फिर ये हरकत देखने को मिलती है कल मेरे पास में ऐसे कम से कम तीस चालीस से करीब मैसेज आए मैंने खुद देखा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पर लेकिन दूसरों को दिख रहा है तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो ये खुद बच्चे जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या कंडीशन देखने को मिल रही है तो यार ये आप लोगों की वजह से ही है जो डिसलाइक करने वाले रिपोर्ट करने वाले ज्यादा हो जाते हैं आप लोग अपना काम नहीं करते हैं तो फिर ये रिजल्ट देखने को मिलता है बाकी आप लोग इंजॉय करते रहिए मतलब क्या ही बोलूँ बस इसके बारे में यार इतनी बार बोलता हूं आप लोगों को डिसलाइक करने वाले तो निकल लेते हैं डिसलाइक कर कर पर फिर वही चीजें अब क्या जो आप लोग अपना काम नहीं करेंगे तो फिर यही कंडीशन देखने को मिलेगी यार ठीक है आर्टिकल कई सारे डिस्कस करने वालों एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें यहां पर लंपी स्किन डिजीज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा डिटेल में यहां पर समझेंगे जो कि पहले गुजरात के अंदर में था अभी राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे केसेस यहां पर निकल कर आ रखे हैं जिसकी वजह से जो बेसिकली जानवर है काफी दिक्कतें देखने को मिलती है और ये आर्टिकल जब गुजरात के अंदर आया था तो यहाँ पर डिस्कस भी किया था मैंने डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा अलग से इसको कवर किया गया था ठीक है तो बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानेंगे बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में और भी कई सारे आर्टिकल है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं एक एक कर कर जो कि आप लोगों को काफी सारी नई चीजें सिखा कर जाएंगे ठीक है ये आर्टिकल समझने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ उससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारे देश में सिचुएशन कैसी है कई बार हमारी कंट्री में जो पॉलिटिशियन है जो खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं तो उसके लिए आप लोगों में एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को आगे समझ पाओगे ये जो वीडियो है आप लोग यहां पर देखेगा ये टीचर रहता है और ये टीचर रहता है कि हम लोग को कुछ डिस्कस करना है एक मिनट यार वन सेकेंड यार अब सुनना <laughs> ये जब यह ये ये बोलता है ना कि आई वॉन्ट प्रॉपर पार्लियामेंट्री बिहेवियर तो यहां पर जो बच्चे हैं उन्होंने जो पार्लियामेंट में देखा है तो वो तो वही दिखाने की कोशिश करेंगे ना पार्लियामेंट में क्या होता है कुछ ऐसा ही बिहेवियर आप लोगों को हाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर वही चीजें दिखाने की कोशिश की गई कि पार्लियामेंटेरियन हमारा कैसे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर ने तो सोचा था कि प्रॉपर डिस्कशन करेंगे या आपस में बातें करेंगे चीजों को डिस्कस करेंगे डिबेट करेंगे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं पर लेकिन रियलिटी में पार्लियामेंट में क्या होता है अब बच्चे तो वही देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा ही माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जब प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन बिहेवियर के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से क्या चल रहा है तो ये बोल आगे बिहेव योर सेल्फ इंडिया द यूथ आर वॉचिंग ठीक है तो ये आप लोगों को समझ सकते हैं द हिंदू के द्वारा ये एक वीडियो पब्लिश की गई थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी अभी ये बातें मैं आप लोगों को ये कहानियां आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ अभी हमारी कंट्री में क्या है सस्पेंड कर दिए गए हैं जो कि पर जिनके द्वारा प्रॉपर एक तरीके से एक पार्लियामेंट्री बिहेवियर जो है वो फॉलो नहीं किया गया तो 27 के करीब पर लोगों को सस्पेंड कर दिया गया तो इसके लिए क्या कोई प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर में तो उसके बारे में बात करेंगे तो यूपीएससी जीएस पेपर टू जो पोलिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं तो लगभग दो एम दो 27, जो यहाँ पर ट्वेंटी जो एम हैं दोनों हाउस के पार्लियामेंट के तो उनको यहाँ पर सस्पेंड किया गया क्योंकि कई सारे डिबेट और डिस्कशन जो चल रहे थे उनको वो डिसरप्ट कर रहे थे उन्हें कहते हैं कि फालतू में एक प्रॉपर मुद्दा न रखकर फालतू में कई सारी चीज़ों का इशू बनाना पर लेकिन प्रॉपर चीज़ों को डिस्कस न करना तो यहां पर इसके चलते चीज देखने को मिलती है तो उसी में यहां पर ये यह बातें की जा रही है अभी इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर सस्पेंड जो किया जाता है उसके पीछे रीज़न क्या है और क्या 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 यहां पर संविधान के अंदर भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो बहुत कुछ आप लोगों से डिस्कस करूंगा ठीक है सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यही होना चाहिए कि भाई कि कि हाँ पार्लियामेंट के अंदर में उस दिमाग में आता क्या है तो एक तरीके से जो अपोजिशन होती है वो अपोज करने की कोशिश करती है चीजों को कि है ऐसी नहीं होनी चाहिए ठीक है टेके? तो उनको अगर बात करें यहां पर तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे कि सबसे पहले बात करें यहां पर डिससेटिस्फेक्शन होते हैं उनके अंदर कि हाँ ये चीजें उनको पसंद नहीं आ रही है पोलिटिकल डिसएग्रीमेंट होता है जैसे कि पैगसस वायरस के ऊपर बात आई तो बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के लीडर थे जिनके फोन में पैगसस वायरस डाला गया तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई प्रोपर में इसी के साथ में फॉर्म लो आए देश के अंदर में तो लोग जो थे उससे इसलिए दिक्कत में थे उनको यह लग रहा था कि प्रॉपर डिबेट डिस्कशन जो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए और उसके बाद में इसको प्रस्तुत करना चाहिए पर ऐसा कुछ किया नहीं गया इसी के साथ में और भी कई सारी पोलिटिकल हैं जो यहां पर वोलेशन करती हैं लैक ऑफ लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी यहां पर देखने को मिलती है गवर्नमेंट ने ग्यारह बिल इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है उसको बिना स्क्रूटनी कराए हुए ना कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया आप लोगों को एक बात बताऊं मैं जैसे कि मान लीजिए जब लास्ट का एक महीना रहता है ना जब आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पर आप लोग उसको तभी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे वो एक तरीके से रिविजन का टाइम रहेगा यानी कि आप लोगों ने पहले ढंग से तैयारी कर रखी हो तो पार्लियामेंट में आकर आप लोग यहां पर ओनली उसको डिस्कस कर सकते हो पर लेकिन सारे बिल जो है प्रॉपर वे में आप लोग जब स्टैंडिंग कमेटी को भेजोगे तो वो उसको तैयार करेगी वहां पर उसके ज्ञाता बैठेंगे वहां पर उसको देखेंगे उसके अंदर क्या कमियां है क्या खामियां तो उसको बहुत कम बिल को वहां पर भेजा जा रहा है तो स्क्रूटनी करने का मौका मिल रहा है अभी यहाँ पर कई सारी और भी रीजन है कोविड नाइन्टीन को जैसे हैंडल किया गया दुनिया भर के लोगों की डेथ होगी और फिर कंपनसेशन भी उनको प्रॉपर मिल पाया इसके बारे में बात की जा रही है कई सारे और स्टेचुडी प्रोविजन देखने को मिलेंगे वर्किंग डे जितने होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में उतने वर्किंग डेज भी नहीं यहाँ पर मिल पा रहे हैं वो भी एक इशू देखने को मिलेगा तो ये अलग अलग इशू है जिसकी वजह से लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर में उधम मचाते हैं और फिर यहाँ पर उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है उधम मचाने के चक्कर में ये तो समझ में आ गया यार कि हां क्यों यहां पर बेसिकली लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं इसकी वजह से हंगामा बनाते हैं पर लेकिन यहां पर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर उसके अंदर माहौल बना के रखे पार्लियामेंट के अंदर में वही जो रेस्पॉन्सिबल होगा सस्पेंड करने के लिए मतलब जैसे हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा है जिसको लोअर हाउस बोलते हैं राज्यसभा जिसको आप लोग अपर हाउस बोलते हैं तो जो लोकसभा के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोकसभा के अंदर जब मैंने आप लोगों को बोला तो इसका मतलब यहां पर ही हो गया कि स्पीकर को पावर होगी क्योंकि वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो वहां पर सारी चीजें देखेंगे राज्यसभा के अंदर कौन हो गया चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सारी चीजें देखेंगे तो यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एक नेचर से बाहर जा रहा है तो उनको यहां पर धरा जाता है धर दबोचा जाता है फिर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तो रूल नंबर थ्री थ्री सेवनटी थ्री जो है ये यहां पर एक प्रोसीजर है जो कि यहां पर रूल ऑफ प्रोसीजर कोड ऑफ बिजनेस होता है उसमें यहां पर यह पर्टिकुलर पावर देता है स्पीकर को कि इस तरीके से यहां पर वो काम कर सकते हैं ठीक है ठेके? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में जो कि आप लोग यहां पर याद रखते हैं तो यानी कि यहां से उनको पावर मिली हुई है कि वो यहां पर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि प्रॉपर वर्किंग वहां पर चलती रहे वरना काम कैसे चलेगा पार्लियामेंट के अंदर जो रूल नंबर ये आप लोगों को 373 सेवेंटी थ्री देखने को मिला था फिर 374 के अंदर भी कुछ प्रोविजन देखने को मिल जाते हैं लोकसभा के ऐसे ही राज्यसभा के अंदर में 255 है पर, जिसके अंदर आप देखने को है कैसे सस्पेंड करना है थेके? अगर कोई यहां पर उल्टी सीधी हरकते हैं है है, तो चेयरमैन कैन सस्पेंड ए मेंविस ऑफ काउंसिल फॉर ए पीरियड नोट एक पर्टिकुलर से, से ज्यादा उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इसके ऊपर काफी सारा डिबेट डिस्कशन हुआ कोर्ट में मैटर भी पहुंचा था यहाँ पर एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर एक सेशन से भी ज्यादा समय तक सस्पेंड करके रखा गया तो हमारी कंट्री में तीन सेशन होते हैं एक को हैं एक को 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 बोलते 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 हैं 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 आप 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 लोग 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 बजट सेशन 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 और तीसरे विंटर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने बजट सेशन में बदतमीजी की है और हम लोग उसको यहाँ पर विंटर सेशन में नहीं बैठने दे रहे हैं तो क्या ये सही है आप लोग सोचिए आप लोगों के एरिया में कोई सांसद है कोई विधायक है आप लोगों ने उनको चुना है अपने काम करने के लिए और वो भाई साहब को पार्लियामेंट में कोई बैठने नहीं दे रहे उसको बाहर बैठा रखा है तो आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है पार्लियामेंट में आप लोगों को स्टेट असेंबली के अंदर में तो इसलिए ये बोला गया कि अगर किसी ने बदतमीजी काटी भी है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर में तो भाई साहब उस सेशन के टाइम पर ही उसको सस्पेंड रखना है ऐसा नहीं कि आप लोग उसको आने वाले सेशन के लिए भी सस्पेंड रखोगे तो एक सेशन से ज्यादा ये सस्पेंशन नहीं चलना चाहिए वरना उन लोगों का क्या जो कि आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पा रही है जिन लोगों को यहाँ पर जिनके द्वारा चुनकर भेजा गया तो ये तो लोगों के साथ में एक तरीके से एक जाति होगी ना कि उनको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर में तो ये प्रोविजन है यहां पर जो कि याद रखना है ठीक है मतलब क्या होता है अगर किसी को सस्पेंड कर दिया है तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि वो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड रहेगा जितना उसको सस्पेंड किया गया दूसरा ये बोला है कि वो कोई भी मीटिंग जो है नॉट एंटर इन द चें और अटेंड नहीं कर सकता है कोई भी मीटिंग ऑफ द कमेटी ठीक है इसी के साथ में नॉट एलिजिबल टू गिव नोटिस डिस्कशन या फिर सबमिशन का कोई नोटिस भी नहीं दे सकता है उसका कोई चलेगी नहीं वहां पर और राइट टू गेट द रिप्लाई ऑफ हिज क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हक खो देता है कि उसका अब उसको रिप्लाई मिलेगा तो यानी कि क्वेश्चन तो उसका नहीं होता है नॉर्मल तो क्वेश्चन जनता का होता है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन है जनता के फेवर में होने चाहिए पर लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा चीजें रहती हैं एज कंपेयर टू जनता के बारे में सोचा जाए ठीक है जनता के बारे में तो सोचा जाता है जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पर सोचा जाता है वरना तो फिर ये पांच साल के लिए भूल जाते हैं कि कौन जनता किसकी जनता कैसी जनता कहां से आई थी जनता हमने तो हम तो मिले ही नहीं जनता से तो ये वाली चीजें फिर आप लोगों के सामने आती है निकलकर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर ये निकल के आता है क्या कोर्ट जो है वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है तो अगर नॉर्मल तरीके से बोलू तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है ठीक है नॉर्मल तरीके से मतलब जो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल एक ये कहता है कि भाई साहब आराम से काम करने दो कोई भी यहां पर इस तरीके से इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता ये एक तरीके से बोला गया कि ताकि यहां पर एक पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रॉपर प्रोसीजर चलता रहे वरना उनको ये रहेगा पता चला कोर्ट में मैटर पहुंच गया फिर कोर्ट का मैटर अटका हुआ है वहां पर कोई सोल्यूशन ही निकल रहा है ये लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट टू द जुडिशन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्साइज बाई हिम जो पावर में है वहां पर जो उसके अंदर परफॉर्म कर रहा है वो वाली चीजों के लिए उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आ गई फिर भी ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया था महाराष्ट्र असेंबली का वो क्या था यहां पर मॉनसून सेशन में सस्पेंड कर दिया गया बारह बीजेपी एमएलए को वो भी एक साल के लिए और मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि एक साल नहीं एक सेशन के लिए आप लोग सस्पेंड कर सकते हो ना कि एक साल के लिए तो इसी के चलते कोर्ट आगे यहां पर उन्होंने बोला कि ये आप लोग उस सेशन से बियॉन्ड किसी को यहां पर सस्पेंड नहीं कर सकते ये इन है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में सही है या फिर गलत है आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में देखिए नॉर्मली तो ऐसे ही होना चाहिए कि जहाँ पर गलती की उसकी सजा दे दी उसके बाद में कहानी खत्म होगी ये थोड़ा ना पूरी जिंदगी उसको उस चीज़ की सजा मिलती रहेगी तो ये चीज़ें यहां पर समझाने की कोशिश की गई तो आर्टिकल एक जो है वो यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है जैसे लंबे समय तक इसे सस्पेंड करके रखा गया तो यूपीएससी यहां पर स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है क्योंकि स्पीकर न्यूज में था काफी हद है तो पूछ लिया गया कि यहाँ पर एक तरीके से जो लोकसभा स्पीकर है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया आप लोगों से जो कि पोलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे और पोलिटी में मैंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर अलग अलग से बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे बोला गया ही और सी होल्ड द द द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ तो ऐसा है कि पर कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे यहां पर इसको हटा देंगे आप लोग ऐसा लगता है स्पीकर के बारे में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इसी के साथ है, बोला गया बोला गया सी ही और सी नीड टू बी द मेंबर ऑफ हाउस ऐसा कुछ है क्या कि अगर वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं है फिर भी उसको यहां पर स्पीकर बनाया जा सकता है तीसरा बोला गया कि अगर उनको रिजिग्नेशन देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन देकर जाएंगे ये है। तो करेक्ट है आप गया, अगर ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो यहां पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगी और वो है तीसरी ओनली ठीक है दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है बाकी की तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर बी हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूछने के बाद में फिर इनको लगा कि यार छह साल हो गए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं तो फिर अठारह में इन्होंने स्पीकर के बारे में क्वेश्चन पूछा बोला गया स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का सेल वैकेट और हर ऑफिस अगर ही और सी, सीज टू बी द मेंबर ऑफ असेंबली ठीक है तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर है यह, ये स्पीकर के ऑफिस के बारे में यहां पर आप लोगों से पूछा गया पहली स्टेटमेंट और दूसरी बोला गया यहां पर कि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे डिजोल्व होती है तो इमीडिएटली भाई साहब को अपना ऑफिस जो है वो खाली करना पड़ जाता है भाई साहब या बहन साहब जो भी होगा ठीक है

और साथ में यहां पर बात की जा रही है अगर असेंबली वाले चाहने लगे कि यार इसको निकालो ये इंसान जो है सही नहीं है तो यहाँ पर फिर उनको यहां पर निकाला जाएगा आर्टिकल 179 आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहां पर होने के बाद में भी असेंबली को स्पीकर बना रहता है जब तक नए वाले नहीं आ जाते हैं ठीक है तो आप लोग समझ सकते हैं तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सरासर यहाँ पर गलत, गलत आप लोगों को देखने को मिल जाती है और फोर्टीन डेज का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में अगर आप लोगों को यहां से निकालना है स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो सैलरी अलाउंस जो है वो फिक्स होते हैं और यहां पर अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर लो के हिसाब से तो ये कुछ ऐसी बातें कॉन्सलटेड फंड से हाँ पर इनकी सैलरी दी जाती है तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग समझ पाएंगे एग्जाम के अंदर भी 2020 में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी वो हद नहीं है अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो आराम से आप लोगों को लगेगा क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है पढ़कर देखो आप लोग इसको आंसर दो फिर आप लोग बताना कि सही है गलत है बोला गया ऑल पोलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस सारी आज के टाइम में गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देती है अपनी आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कुछ है <laughs> स्टेटमेंट गलत हो गई गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय यानी कि गवर्नमेंट लोगों ने इलेक्ट कर दिया और वही उसको रिमूव कर सकते हैं ऐसा कुछ है क्या अब मान लीजिए इलेक्ट हो गई अभी गवर्नमेंट ठीक है पांच साल से पहले कोई इसको टच भी नहीं कर सकता नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अगर कोई एक तरीके से मेजोरिटी उनकी खत्म हो जाए तो अलग बात है ठीक है गवर्नमेंट बोला गया कि यहां पर चूज की जाती है बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फाइव ईयर अभी तो बोला मैंने पांच साल से पहले हटाया नहीं जा सकता क्या भाई साहब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट गिर जाती हैं ऐसे भी हैं कोई कुछ कुछ दिन कर करके निकल लेते हैं ठीक है तो ये समझ सकते हैं नेक्स्ट बोला गया यहां पर द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव इट ये स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो यानी कि एक तरीके से ये बी आंसर आप लोगों को सही नजर आया यहां पर तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए में में बीस में तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सको तो आई होप कि आप लोगों के तो बताना फिर उसको दूर किया जाएगा ठीक है फीडबैक जरूर दिया करो एक तरीके से आप लोग बता दिया करो किसी भी आर्टिकल में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो लाइक और डिसलाइक कर कर भी आप लोग बता सकते हैं वैसे दिक्कत क्या होती है मुझे समझाओ तो सही मेरे समझ में नहीं आता है कि मतलब अस्सी नब्बे हजार लोग जो है वो लेक्चर को देख रहे हैं और पाँच लाख पाँच ओनली पाँच लाख बोल रहा हूँ पाँच ओनली पाँच हज़ार मुश्किल से लोग जो हैं वो लेक्चर को लाइक करते हैं इसके पीछे रीज़न बताओ यार मेरी समझ में रीज़न नहीं आता है मतलब कोई ऐसा कुछ ऐसा है क्या कुछ मतलब उसको बटन को टच करने में मतलब कुछ हाथों में दिक्कत हो जाती है या फिर कुछ और मतलब क्या इससे मतलब चक्कर क्या है एक सेकेंड का भी काम नहीं होता है तो उससे क्या होता है उससे फीडबैक मिल जाता है और उससे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो वीडियो है वो एक तरीके से अच्छे लेवल पर चलती है जिससे कि लोगों को और ज्यादा रिकमेंडेशन जो है यूट्यूब जो है उन वीडियोस को भेजता है ये एल्गोदम है यूट्यूब की अगर आप लोग उसको लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब ये सोचता है कि वीडियो अच्छी नहीं है पड़ी रहने दो इसको जैसे पड़ी हुई है तो अगर आप लोग को रियलिटी में लगता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है और अगर लगता है कि इसके अंदर मेहनत की गई है और ये पॉजिटिव सही वीडियो है तो फिर आप लोग इसमें तो कम से कम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ना इसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके से आप लोगों की मेहनत भी लगती है फिर कोई पैसा कुछ किस तरीके से कोई भी टाइम लग रहा है आप लोगों का तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, इसको समझाना जरूर आप लोग एक दिन बैठ के ठीक है यार ये जो आर्टिकल है ना ये कई दिन से मैं डिस्कस करना सोच रहा था पर लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया <laughs> ये आर्टिकल मुझे ऐसा था कि मैंने कहा डिटेल में डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से क्योंकि एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये ये आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करेगा बात की जा रही है गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में नॉर्मली मैं आप लोगों को गूगल का मैप दिखाता हूं तो आप लोगों ने इसको रेगुलरली देखा ही है जैसे ये वाला मैप मैं आप लोग को रेगुलरली दिखाता हूं ठीक है कोई ना कोई टॉपिक रहता है जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर लेक के अंदर मैं आप लोग को लेकर चला गया जिसका नाम है यहां पर मादी वाला लेक तो ये जो पर्टिकुलर लेक है ये मैंने आप लोगों को मैप में दिखाई प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिल रही है और कहां पर है ये है कहां पर बेंगलुरु के अंदर अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमें पता चल गया कि ये जो लेक है बेंगलुरु के अंदर है पर लेकिन कास इस लेक के आसपास वाला रीजन भी थोड़ा सा दिख जाता तो हमें एरिया के बारे में थोड़ा पता चल जाता यानी कि लेक के आसपास कैसा रीजन है तो यहां पर अगर बात करें तो इस लेक के आसपास वाले रीजन को जो दिखाने की यहां पर बात की जा रही है तो उसी को बोला गया है एक तरीके से यहां यहां पर पर क्या गूगल स्ट्रीट व्यू ठीक है अभी आप लोग यहाँ पर देखेगा। आप लोग लोग ये को लेक के पास में लेकर चला जा रहा है ठीक है ये पहुंच गए आप लोग लेक के किनारे पर यहां से आप लोग देख पा रहे हैं ये लेक है आप लोग के आसपास में जो दिख रही है यहां पर अब इसके आसपास लेक के कैसा माहौल है तो वो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये आप लोग यहां पर देखते हैं कि लेक जो है उसके आसपास कैसा एरिया है ठीक है जिससे आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए यानी कि यहां पर आप लोग जमीन तक भी देख सकते हैं ये अभी फिलहाल जो है हमारे देश में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है गूगल के द्वारा ताकि आसपास वाले एरिया की लोकेशन भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सके जैसे यहां पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है यहां पर रामई मेमोरियल हॉस्पिटल अगर आप लोग चाहते हैं कि यहां पर उसके बारे में देखा जाए क्या क्या उसके पास में सारी चीजें तो यहां पर आप लोग को ये उसके अंदर तक लेकर चला गया ठीक है आप लोग बोलोगे यार ये तो प्राइवेसी का हनन है कि अंदर तक की भी चीजें आप यहां पर देखने को मिल जा रही है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में अगर आप 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 लोग बात करते हैं ये 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 लोगों लोगों को लाइव इमेज नहीं दिख दिख रही है पर पर क्या एक फोटो खींचकर हाँ कर यहाँ पर गूगल पर अपडेट कर दी गई है वो फोटो आप लोगों को दिख रही है लोगों का एक एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए ये जो सेम सर्विस है गूगल के द्वारा 2011 में हमारे देश में स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी पर लेकिन उस टाइम पर माहौल ऐसा नहीं था कि इसको स्टार्ट किया जा सके तो अब यहां पर 11 साल बाद 2022 में हमारे देश में ये गूगल स्ट्रीट व्यू जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है यहां पर इसी के चलते हमारी कंट्री में बात की जा रही है डेकेड आफ्टर यानी कि लगभग 10 साल बाद क्योंकि स्टार्टिंग में जब पहले यहां पर इसके द्वारा ट्राई किया गया था उस टाइम पर चीजें नहीं मिली थी अब थ्री डिग्री का आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा टेंट इंडियन सिटीज के अंदर में यानी कि देश की दस सिटी है जो कि यहां पर जिसके अंदर आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैसे मान लीजिए कोई पोलिटिकल पार्टी है किसी एरिया में उसको इलेक्शन लड़ने जाना है तो यहां पर वो क्या करेगी उस एरिया के लोकल लोगों को उठाएगी और उन लोकल लोगों को वहां पर अपना एमएलए या फिर एमपी बनाएगी जहां पर उसको इलेक्शन लड़ना है क्योंकि वहां से लोग सब फैमिलियर होते हैं तो जब गूगल पहली बार हमारी कंट्री में स्ट्रीट व्यू लेने आई थी तो गूगल के पीछे पड़ गए लोग तो लोग कहने लगे कि ये क्या नोटेंकी चल रही है तो हमारी प्राइवेसी का है, कैसे फोटो खींच रहे हैं इनको रोक लिया पुलिस वाले ने पकड़ लिया अब की बार इन्होंने क्या किया थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया इन्होंने बोला कि यार खुद से काम करने में दिक्कत है क्यों ना लोकल लोगों को ही पकड़ ले जाए जैसे अंग्रेज नहीं करते थे हमारे ही लोगों को हमारे ही हमारे ही लोगों को पुलिस बनाकर हमारे ही लोगों को पीटा जा रहा है तो वही बातें हैं यहाँ पर तो इनके द्वारा टेक महिंद्रा और मुंबई बेस्ड एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करी जिसका नाम है जेनेसिस तो जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा तो याद रखेगा ये दो कंपनी ली गई और इन दोनों कंपनी के थ्रू यहां पर गूगल स्टेट व्यू जो है वो हमारी कंट्री में सिटीज का तैयार कराया जा रहा है इस तरीके का माहौल यहां पर तैयार करने के लिए कुछ ऐसी गाड़ी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है ये जो गाड़ी होती है इन गाड़ी के ऊपर एक प्रोपर कैमरा लगा रहता है जो कि जगह जगह घूमती है और घूमने के बाद में यहां पर ये जो गाड़ी है ये यहां पर पूरा आप लोगों को माहौल तैयार करके देती है ठीक है जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये गाड़ी है जो कि आप लोगों को पूरा तैयार करके देती है यहां पर लिखा हुआ है गूगल स्ट्रीट व्यू आप लोग देख सकते हैं ठीक है गूगल मैप स्ट्रीट व्यू तो ये 360 डिग्री यहां पर घूम घूम कर यहां पर ये इस तरीके से गलियों में घूम घूम कर सारे फोटो लेती है उनकी पर्टिकुलर एक तरीके से लोकेशन के बेस पर और फिर यहां पर इसको अपडेट किया जाता है तो आसान काम नहीं है जो चीजें आप लोगों को जो देखने को मिलती है ना बिल्कुल ऐसी है जैसे पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई जाती है प्रॉपर तैयार की जाती है तो इनके लिए घंटों लग जाते हैं और घंटों लग जाने के बाद में यहां पर आप लोगों को बस क्या लगता है लगभग एक डेढ़ घंटे की वीडियो मिलती है और आप लोगों को लगता है बस हाँ ठीक है पर लेकिन रिगूगल स्ट्रीट व्यू आप लोग सोचो एक पर्टिकुलर सिटी का भी अगर तैयार करना है उसकी एक एक गली जाकर वहां पर उसका कैमरे के थ्रू फोटो लिया जा रहा है उसको एक प्रॉपर व्यू लिया जा रहा है और फिर उसको इकट्ठा किया जा रहा है एक शादी की भी अगर आप लोग एल्बम बनाने बैठते हैं बर्थडे की आप लोगों को बोल दो कोई पार्टी के एल्बम आप लोगों को बनानी कितने सारे फोटोज आप लोगों को देखने को मिलते हैं अगर कुछ आदमी भी आ रखे हो अच्छा वो आदमी ये आदमी मतलब देखते हैं इसके साथ में चाचा फूफा नाना नानी तो लग रहे हैं सब आपस में फोटो खिंचवाने पर सोचो कि एक एक पॉइंट का फोटो खींचना पड़ जाए हर एक इंसान का एक एक हर एक इंसान के साथ में फोटो खींचना पड़ जाए हर एक आइटम के साथ में फोटो खींचना पड़ जाए तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये तो ये आसान काम नहीं है और इससे फायदा बहुत सारा देखने को मिलता है बहुत सारी जो मैक्सिमम डेवलप कंट्री है उनके अंदर ये देखने को मिलता है पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इसको अब तक अलाउ नहीं किया गया था पर लेकिन अब यहां पर इसको अलाउ किया जा रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें आज की डेट में इंटरनेट बेस हो चुकी हैं आप लोग देख सकते हैं सारी डिलीवरी सर्विस जो होती है वो सारी इंटरनेट बेस आज की डेट में चलती हैं तो ये जरूरी हो गया है कि ऐसी चीजें जो है वो देश के अंदर अब होनी चाहिए तो जो गूगल स्ट्रीट व्यू है सबसे पहले तो ये याद रखिएगा यहां पर टैग महिंद्रा और इसके साथ में जेनेसिस जो इंटरनेशनल है ये दोनों मिलकर ये इसको तैयार कर रही है ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्टिकुलर जो कि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम में इसको नाम देगा यहां पर गुल्फी ठीक है जे यू डब्ल्यू एल जे यू डब्लू एल आई एफ वाई तो ये गुल्फी जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें गूगल स्ट्रीट व्यू तैयार किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में नाम ढंग का रख लेते यार इससे अच्छा कुल्फी रख लेते ठीक है <laughs> तो ये गुलिफी या फिर गुलिफाई आप लोग जो भी इसको बोलो यहाँ पर इससे अच्छा तो ये रख लेते हैं भारत का मैप भारत का नक्शा ये भारत की गलियाँ कुछ भी अच्छा सा नाम रख सकते थे गुल्ली भाई रख लेते हैं गलिया <laughs> मतलब एक तरीके से चलो जो भी है इसको याद रखना है आप लोगों को कहने का मतलब मेरा ये तो दस सिटीज में बेंगलुरु का भी आप को मिल रहा है चेन्नई दिल्ली मुंबई पाएंगे तो लोकल एरिया पर यहां पर पार्टनर बनाकर जो इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे और उन चीजों को देख पा रहे तो गली गली नुक्कड़ चौराहे पर आप लोग इनको देख पा रहे हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं आप लोगों को बोल दूं ये जो व्यू आप लोग देख

इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मैप भी आप लोगों को दिख रहा था उसमें जो फोटोज वगैरह हैं लोगों की वो कट कर दी गई हैं उनके जो फेस है धुंधला कर दिया गया ताकि उसको लोग जो है पहचान ना सके तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखनी है ठीक है प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो है पर लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर है ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था बताइए चलिए ट्राई कर लीजिए एक बार और आप लोग याद हो जाएगा रिकॉल कर लीजिए तो कंसर्न मैंने इश्यूज मैंने बता दिए सबसे बड़ा इशू यही निकल कर आया कि प्राइवेसी यार हमारी बेसिकली हनन पड़ जाएगी पता चला कोई घूमने जा रहा है वहां पर ठीक है वो किसी को बिना बताए वहां पर पहुंचा हुआ है अपने किसी फ्रेंड के साथ में ठीक है तो मम्मी पापा तो भाई साहब धर लेंगे देखो तो लाइव कहां घूम रहा है वो ठीक है ना तो ये फोटोज वहां पर नहीं आनी चाहिए तो किसी गाड़ी का नंबर किसी घर का नंबर वो सारी चीजें उनका मिस हो सकता था ठीक है तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की गई पता चला आप लोग खुद देखो कोई पर्टिकुलर एक इंसान है उसके घर का नंबर पता चल जाए उसने कोई गलती कर दी सब वहां पर पहुंच जाएंगे एक मिनट के अंदर में ठीक है उसको जान का भी खतरा हो सकते हैं यहाँ पर तो सेंसिटिव जो लोकेशन है उनका भी डेटा आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो उसको भी देखा जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर कैसे टैगल करने हालांकि अगर मैक्सिमम देश के अंदर आप लोग जाएंगे वहां आप लोग गूगल व्यू देखने को मिल जाएगा इंडिया के साथ में अगर बात करें ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ये सारी ये कंट्री है जहां पर आप लोगों को कई सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं हालांकि ठीक है तो लोकल लोगों के द्वारा इशू किए गए पर लेकिन फिर भी आज की डेट में कई जगह कंट्री पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाती हैं अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये सही है या फिर गलत है आप लोग क्या लग रहा है ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है गुड लिखोगे या फिर इसको बैड लिखोगे बताइए आप लोग क्या इसको लिखोगे पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारे देश में ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई 2021 में उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया जिसको बोलते हैं नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जियो स्पेशल सब जो होता है इसका मतलब क्या होता है भूस्थानिक यानी कि एक तरीके से आप लोग एक मैप बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पर एक तरीके से का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जो कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं फीचर्स क्या है उस लोकेशन के बारे में कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करे जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर है तो ये जियो स्पेशल होता है बेसिकली अगर इसका पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप लोग समझना चाहते हैं तो स्ट्रीट व्यू भी जो है वो इसी के अंदर यहां पर आ गया ठीक है कि यहाँ पर स्ट्रीट व्यू रहेगा सारी चीजें इकट्ठी रहेंगी तो किस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर है यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है मिनिस्टर उन, उन इंसान का नाम आप लोगों को बताना है तो डीएसटी जो है उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में मिलकर काम करती है तभी यहां पर चीजें जो है वो आगे लेकर चली जा रही है तो इसके चलते एक बिजनेस जो व्यू है वो काफी अच्छा हमारे देश में बढ़ेगा कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो इस एरिया में काम करती हैं तो वो अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगी और आगे लेकर भी हम लोग इसको चल पाएंगे तो यही है कि कैसे हम लोग ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस जो एक तरीके से और यूजफुल इनसाइट तैयार कर सकते हैं डेटा हमारे पास में रहेगा एक अच्छा ढांचा हम लोग बना सकते हैं तो आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलने वाला है मेन हमारे देश में कौन है वह है सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करती है ये हमारे देश में एक सेंट्रल इंजीनियरिंग एक एजेंसी है जो कि देश का मैप कैसे बनता है उसका सर्वे कैसे करना है उसका इंचार्ज रखती है इतनी पुरानी है कि आप लोग सोचकर हैरान रह जाओगे इसको सत्रह में बनाया गया था ठीक है <laughs> तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश के अंदर आई थी तो उसकी हेल्प की गई थी इसके द्वारा और जिसके चलते हम लोग चीजों को आज के डेट में भी यूज कर पा रहे हैं हमारी कंट्री में जो मैप है वो यहाँ पर यही तैयार करती है हेडक्वार्टर इसका कहां पर है हेडक्वार्टर चलिए आप लोग बताइए ठीक है ये उन्नीस में बनाई गई थी तो वन ऑफ द मोस्ट एंड जो ओल्ड आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो आज के डेट में सर्वाइव कर रही है तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है अगर बात करें तो ये मिलकर काम करेगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक ऐसा करिकुलम तैयार किया जाएगा ताकि उसको ढंग से इस्तेमाल किया जा सके तो ये सही है एक तरीके से आगे आने वाले टाइम के लिए अब आप लोगों को क्या लग रहा है हाँ पर ये आखिर क्यों इसके पीछे इतना फोकस किया जा जा रहा है है बात की रही कि जो इंडियन जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है वो लगभग करेंटलीस हजार नौ सौ बहत्तर को देखने को मिलेगी और लगभग इतने सारे जो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट जो बात की जा रही है तो करेंटली यहां पर फोर पॉइंट सेवन लोग जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस एरिया में काम कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में लैंड रिकॉर्ड लेकर आने क्राइसिस मैनेजमेंट करना है कहीं पर बाढ़ आ गई है कुछ और चीजें देखने को मिल रही हैं इसी के साथ में कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है अच्छा और उस एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं उस एरिया के बारे में पता तो होना चाहिए कि उस एरिया का कैसा क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन इंप्लीमेंट करना है पानी की कमी है उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है वहां पर कोई एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है तो उसके बारे में चीजें आप लोग को पता रहेगी तो आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे तो एक इंटेलिजेंट जो मैप्स होते हैं उसके बारे में बात करें अब तक ये सारी चीजें हमारी कंट्री में गवर्नमेंट अपने पास में रखती थी पर लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा साइड में किया गया और प्राइवेट कंपनी आ रही है जो कि ट्रस्टी प्राइवेट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं ट्रस्ट वर्दी जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया हमारी ही कंट्री की दो कंपनी आ गई यहां पर निकलकर जैसे मैंने डिस्कस किया टेक महिंद्रा तो आप लोग समझ सकते हैं और इसी के साथ में जेनेसिस इंटरनेशनल तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है अब प्रोपर वे में हमारे देश में चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में जो मार्केट डोमिनेशन था वो डिफेंस और इंटेलिजेंस का देखने को मिलता था फोर्टीन अर्बन डेवलपमेंट का लगभग बारह यूटिलिटी इलेवन इसी के साथ में दूसरा जो था थर्टी सेवन परसेंट अगर बात करें यहां पर ठीक है तो मतलब कहने का ये कि अब यहां पर ये दूसरे एरिया से प्राइवेट वाले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा आने वाले टाइम में एक नॉर्मल जनता के द्वारा भी ढंग से मेन काम कौन करेगा मैंने अभी बताया यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो इसके ऊपर ध्यान रखेगा कैसे कैसे डेटा को कहाँ पर लेकर चला जा रहा है कैसे उसके ऊपर कमेटी बनाई जाएगी फिर इसके जो भी एजेंसी रहेंगी वो काम करेगी पार्टनर एजेंसी यहां पर मिलकर काम करेगी ये एजेट तौर पर नेशनल डेटा रहेगा एक प्लेटफॉर्म प्रोपर तैयार किया जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी ठीक है तो ये सही चीजें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं अभी एक मतलब नहीं ऐसे ऐसे जब आर्टिकल आते हैं एक दिन मैं आप लोगों को मैप दिखा रहा था तो उस मैप में मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को कोई शायद पर्टिकुलर एरिया दिखाया था लोकेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी तो एक बच्चा कह रहा है सर ये जो मैप आप दिखाते हैं इससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड का घर भी देख सकता हूँ क्या <laughs> तो, <laughs> तो ऐसे ऐसे तीस मार्क है यहाँ पर जो मतलब वो एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं ठीक है तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का थिंकिंग प्रोसर जो है वो तुरंत कहाँ पर जाता है मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ऐसे साइंटिस्ट जो है उन साइंटिस्टों को भी मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि सही जगह दिमाग लगाओ तो लाइफ में कुछ अच्छी जगह पहुंच जाओगी मूवी नहीं शेयर की थी मैंने आप लोगों से टेलीग्राम के ऊपर वो मूवी यहाँ पर यही दिखा रही थी कि एक तरीके से अगर दिमाग को ढंग से इस्तेमाल किया जाए भले ही कितना नकारा लोग आप लोगों को बोले पर लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पर सही जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ले गए तो जिंदगी में एक ऐसी पोजिशन पर रहोगे कि लोग आप लोगों के उदाहरण देकर बोलेंगे कि फलाने का लड़का देखो लड़की देखो कहां पहुंच गए ठीक है पर ये तभी होगा जब आप लोग अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे देखिए जिंदगी में ना कोई आप लोगों से अगर आप लोग देखें ना कोई आप लोगों के आसपास में कोई दुश्मन देखने को नहीं मिलेगा पर हां लोगों के अंदर जलन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी कोई भी आप लोगों को पीछे खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है वरना दुश्मन कोई किसी का नहीं है यहां पर कि यहां पर किसी की दुश्मनी हो रखी है पर यह है कि हमारे साथ रहने वाला आदमी बढ़ कैसे गया आगे कैसे निकल गए वो आप लोगों को हमेशा लोगों में देखने को मिलेगा वो चिड़न आप लोगों को हमेशा लोगों के अंदर देखने को मिलेगी और जो इस चिड़न से ऊपर उड़ गया वही लाइफ में सक्सेस हो गया अगर आप चिडन रहेगी तो दूसरों के बारे में सोचते रहोगे और चिड़ोगे नहीं तो आप लोग अपने बारे में सोचोगे बल्कि दूसरों का तो धन्यवाद करो कि वो आप लोगों को कमियां दिखा रहे हैं आप लोगों को बातें बता रहे हैं आकर तो उससे आप लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हो तो आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए उन लोगों का जो आप लोगों की लाइफ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं ठीक है ठेके? दिल से थैंकफुल होना चाहिए मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि उनकी वजह से आप लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है आप लोग को अपनी कमियां पता चल रही है आप लोग उनके ऊपर काम कर सकते हो और अपनी चीजों को अपने अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो आप लोग क्या रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा आई लव यू यार तुम मेरे दिल में रहती हो आप लोगों ने ये इस तरीके के डायलॉग कई बार सुने होंगे मूवीज़ के अंदर भी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दिल की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आती है कि दिल एक ऐसी चीज़ है अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान का दिल जो है वो सुअर के साथ में चेंज किया गया पर लेकिन वो इंसान भी अभी जो है इस दुनिया में नहीं है यानी कि दिल एक ऐसी चीज है अब तक हम लोग इसको रिप्लेस नहीं कर पाए तो इसीलिए हमको अगर आप लोगों से कोई बोले कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए तो हमेशा इंसान जो एक यूनिक चीज ढूंढता है जिसके कोई इक्वलेंट ना हो तो इसीलिए आप लोगों को पता है कि दिल के बारे में बातें की जाती है आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि तू मेरे पेट में रहती है तू मेरी आंखों में रहती है तू मेरी किडनी में रहती है क्यों क्योंकि मैक्सिमम ये ऐसी चीजें हैं कि आप लोग इनको रिप्लेस कर सकते हैं आंखों में दिक्कत होगी आंख आप लोग जो है चेंज करा सकते हैं किडनी में दिक्कत होगी आप लोग किडनी चेंज करा सकते हैं पर लेकिन दिल जो है वो अब तक प्रॉपर वे में किसी का चेंज नहीं हो पाया जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज की तो वो जो दिल है वो है यहाँ पर कोर सेक्टर हमारी कंट्री की इकोनोमी के अंदर में ये जो कोर सेक्टर वाला एरिया है ना ये ये कैसा एरिया है अगर ये सही तरीके से चलता रहा तो देश जो है वो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और अगर इसको दिक्कत होगी तो देश जो है वो घुटनों पर आ जाएगा और रेंगना स्टार्ट कर देगा आखिर क्या है इसके अंदर में और इस पर्टिकुलर सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और ये आर्टिकल सर डिस्कस क्यों कर रहे हो इसको यार इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी दो बार क्वेश्चन पूछ चुकी है एक बार दो हजार बारह पूछा दो हजार बारह पूछने के बाद में लगा इसको कि यार फिर से क्वेश्चन पूछना चाहिए तीन साल बाद फिर से याद आ गई फिर से दो हजार पंद्रह पूछ लिया तो यानी कि तीन साल रहा नहीं गया ज्यादा यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछ दिया अभी फिलहाल आगे आने वाले टाइम में इस टॉपिक से फिर से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में कि यहाँ पर बात की जा रही है मई महीने से जो हमारा ग्रोथ था ठीक है यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि एक तरीके से इंडिया के जो एट सेक्टर का जो आउटपुट ग्रोथ है ठीक है वो जून में कितना रहा बारह दशमलव सात रहा यानी कि ट्वेल्व पॉइंट सेवन में कितना था ये एट पॉइंट वन था अभी घटकर ट्वेल्व पॉइंट सेवन हो गया है इसका मतलब आप लोगों को से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार ये एक ऐसी चीज है जो हर महीने आती है पहले मई में आई फिर जून में आई आगे चल के जुलाई में आएगी तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार तैयार कर लो और फिर जो है इसको डस्टबिन में डाल दो आगे कुछ भी होता रहे इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा ही है क्या कुछ यार जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है टॉपिक को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को लेकर चल रहे हैं एक टॉपिक को घुमा घुमा कर हर महीने पढ़ना है उस टॉपिक को या फिर एक बार टॉपिक आ गया बैठ कर उसके नोट्स बना लिए और नोट्स बनाने के बाद में फिर जो है टाटा बाय बाय यानी कि अब उस टॉपिक को नहीं देखना है उठा के बस रिविजन ही करना है जिस तरीके से सेंसस से आ गया अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट करनी स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए दो का सेंसस तैयार कर लिया अब आने वाला सेंसस जो है वो नेक्स्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में तब तक आठ दस साल तक यही सेंसस चलने वाला है तो आप लोग क्या करने कर रहे हैं बैठकर एक बार सेंसस के क्रिप्स नोट्स बना लिया आप लोगों ने खासकर अपने स्टेट के बारे में देख लिया नेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें हैं तो उससे एक बार ढंग से आप लोगों ने उसको पढ़ लिया अब किसी भी एग्जाम में आप लोग जाकर बैठेंगे आप लोग कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सेंसस का देखने को मिल जाएगा तो ये हो गया हमारा टॉपिक तैयार ऐसे ही आप लोगों यहाँ पर टॉपिक को तैयार करना है ये कोर सेक्टर वाले टॉपिक को इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था पर लेकिन अभी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं ताकि आप लोग इस सेक्टर की ग्रेविटी समझ पाओ ठीक है पहले तो इस सेक्टर में आता कौन कौन है कौन कौन भाई बहन है इस सेक्टर में तो सबसे पहले इसमें भाई बहन आप लोग समझिए सबसे बड़ा जो इसका भाई बहन आप लोग बोल सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा पावर है वो है यहां पर रिफाइनरी रिफाइनरी की जो पावर है वो है यहां पर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट परसेंट जो टोटल कोर सेक्टर है उसमें रिफाइनरी की पावर आप लोगों को ट्वेंटी एट देखने को मिलेगी पहले नंबर पर फर्स्ट जो खिताब जाता है वह रिफाइनरी के नाम दूसरा खिताब यहां पर जाता है इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके नाम पर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से जब आप लोग इनको काउंट करेंगे तीसरा आप लोगों को स्टील के नाम देखने को मिलेगा ठीक है फिर आप लोग नीचे जाएंगे चौथा आप लोग कोयले के नाम देखने को मिलेगा पांचवा आप लोग को क्रूड ऑयल के नाम देखने को मिलेगा छठा आप लोगों को यहाँ पर नेचुरल गैस के नाम देखने को मिलेगा सातवा सीमेंट के नाम और आठवा हो गया फर्टिलाइजर के नाम यानी कि जो फर्टिलाइजर है वो कोर सेक्टर का पार्ट है पर लेकिन वो सबसे छोटा वेटेज रखता है ये यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग इसके बारे में बताइए तो यहाँ पर जो क्या क्या कोर सेक्टर किस तरीके से है तो ये बिल्कुल आप लोगों को यहां पर बता दिया एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नाम से आप लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक इंडेक्स यानी कि उसकी एक सूची तैयार करना और उस इंडेक्स में अगर आप लोग काउंट करोगे चालीस तो प्रतिशत जो है वो ओनली कोर सेक्टर प्ले करते हैं तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको हर्ट क्यों बोला गया इनको, इनको दिल क्यों बोला गया तो इसीलिए बोला गया क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसका दिल है इसीलिए इनको कोर सेक्टर बोला गया तो कोर सेक्टर का ग्रोथ जो है वो अभी डिक्रीज हो गया यहां पर आप लोगों को देखने को मिला मॉडरेट बताया जा रहा है पहले अट्ठारह था अब यहां पर बारह हो गया तो ये समझ सकते हैं तो ये कोर सेक्टर जो है अगर बात करें इसमें कोयला सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट वो 15 परसेंट दे करीब देखने को मिले एज कंपेयर टू अगर बात करेंगे इसको जून के महीने में पहले पहले महीने के साथ में ये याद नहीं रखने फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं हर महीने चेंज होंगे अब यहां पर याद क्या रखना है तो याद आप लोग को ये रखना है कौन कौन से कोर सेक्टर हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए तो यहां से आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन सकता है। you never know, आप लोगों को टॉपिक तैयार करना चाहिए अच्छे से तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसके बारे में जब बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रोड सेक्टर जैसे माइनिंग मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इसी के साथ में यहां पर सेक्टर जो नेमली आप लोग देखेंगे बेसिक गुड हो गए कैपिटल गुड हो गए इंटरमीडिएटरी गुड हो गए तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जैसे कैपिटल गुड़ ऐसा सामान जो कि आप लोग पैसा कमाने में यूज करते हैं लैपटॉप आप लोग इंटरनेट कैफे खोल लो कैपिटल गुड़ बन गया ऐसे यहां पर इंटरमीडिएटरी गुड़ क्या रहते हैं जैसे गाड़ी बनानी आप लोगों को तो आप लोग गाड़ी बनाने के लिए प्रॉपर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करोगे तो एक तरीके से कोई हैंडल आ रहा है कोई यहां पर गद्दी लेकर आ रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूं निकाल कर लेकर आए गेहूं से आटा हो गया इंटरमीडिएटरी और फिर रोटी बन गई ऐसे आप लोग देखते हैं ठीक है तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि हमारी कंट्री में सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम चेंज हो चुका है उसको आज के में एनएसओ बोलते हैं यानी कि नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस जो कि उन्नीस में बनाया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है और बेस ईयर दो हजार ग्यारह यहां पर यूज किया जा रहा है सोर्स क्या है यहां पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के तो यहां पर जो डेटा इकट्ठा किया, तो कि किया जाता है तो अलग अलग सोर्सेज से निकल कर ये डेटा आता है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से और फिर ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से चीजें आगे चलने वाली हैं एक डेटा इकट्ठा किया जाता है तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया अब पहले दो का क्वेश्चन लेते हैं बोला गया कि इंडिया के अंदर ओवरऑल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं उसके अंदर एट कोर सेक्टर है ठीक है जो एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है कि कंबाइंड वेटेज उनका थर्टी सेवन पॉइंट नाइन है तो ऑफ द फॉलोइंग आर द अमंग दर दो द दो एट कोर सेक्टर तो दो हजार बारह की बात कर रहा हूं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये आर्टिकल में आप लोगों से दो हजार बाईस में तो करीब इसका वेटेज हो गया गया तो तो यहां पर आप आप लोगों लोगों से क्या पूछा तो इनको को लगाना है यहां पर बेसिकली जो कोर सेक्टर है इनको आप लोगों यहां पर एक तरीके से बताना है कि किस किस का कितना वेटेज है उसके हिसाब से आप लोगों यहां पर देखना है कोर सेक्टर के अंदर कौन से आ रहे हैं अगर आप लोगों से पूछे यहां पर सीमेंट हो गया फर्टिलाइजर हो गया नेचुरल गैस हो गया रिफाइनरी हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया क्या टेक्सटाइल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की कि टेक्सटाइल इसके अंदर आता है अगर आप लोगों से पूछे जाए टेक्सटाइल के बारे में कहीं मैंने जिक्र किया है तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पर टेक्सटाइल के बारे में जब जिक्र ही नहीं किया और बाकी इनमें मैंने अभी बात की है चार प्रोडक्ट तो आप लोगों गए पांचों को छोड़ दो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा दो में तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं आंसर क्या हो गया यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया तो है नहीं इंपोर्टेंट तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करना है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछा गया ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया बोला गया कि इंडेक्स जो यहां पर इंडेक्स ऑफ जो एट कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसका है तो मैंने अभी किसका बताया हाईएस्ट वेटेज आप लोगों को अभी आप लोगों ने देखा ना कि हाईएस्ट वेटेज किसका है यहां पर तो मैंने आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे आप लोगों को घटते और बढ़ते क्रम में बताए हैं क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन वाला आप लोगों के साथ में खेल गया यूपीएससी और यूपीएससी का काम खेलने का होता है मैंने हाइएस्ट क्या बताया था यहां पर हाइएस्ट रिफाइनरी बताया था पर लेकिन वहां पर हाइएस्ट रिफाइनरी नहीं दिया गया वहां पर रिफाइनरी छोड़ के नीचे से नाम दे दिया आप लोगों के सामने कोयला हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया फर्टिलाइजर हो गया और स्टील प्रोडक्शन हो गया तो मैंने क्या बताया था दूसरे नंबर पर वो था आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी आया कि याद नहीं आया तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है अगली बार अगर पूछ ले सबसे लोवेस्ट कौन है तो यहां पर आगे जा, आ जाएगा फर्टिलाइजर और अगर ये पूछ ले कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को लगाना है तो आप लोगों को यहां पर ये यह जो एक तरीका जो यहां पर आप लोगों को सर्किल है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इससे आप लोग चीजों का अंदाजा लगा पाएंगे

तो ये था पूरा आर्टिकल कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से इंप्रूव करके फिर देखा जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ध्यान से से सुनिएगा ये काफी अच्छे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन किया गया बेसिकली एक्सप्लेन सीरीज में कवर किया गया काफी डिटेल में ये आर्टिकल में कवर करने वाला हूं एक एक पॉइंट आप लोग को यहां पर जाने को मिलेगा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रलेम्स या फिर पेपर थ्री के एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आनी चाहिए क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग टॉपिक को समझ पाएंगे उतने ही अच्छे से आप लोग उसको एग्जाम में ढंग से आंसर दे पाएंगे ठीक है तो एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से कवर करूंगा इसलिए से सुनिएगा यहाँ पर कुछ सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे बात की जा रही है यहाँ पर पर बोल्ड जो राइस के बारे में ये कैसे राइस होते हैं और आखिर क्यों न्यूज में आ गए इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम लोग समझेंगे इससे आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है अगर आप लोग एक किसान के बच्चे हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी बन सकता है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से सुनना है पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहां पर एक पर्टिकुलर टर्म के चारों ओर घूमेगा और यह है परबल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल आप लोग इनको बोल सकते हैं ये बेसिकली हमारे देश में कई सारे राज्य में आप लोग को देखने को मिलते हैं तो अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना से इनको खरीदने के लिए मना कर दिया गया जिसके चलते यहां पर तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव उनके द्वारा यहाँ पर अभी धरना दिया गया जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आगे है तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं सेंटर ने ये बोला है कि हमारे पास में इतनी मनी नहीं है कि हम लोग इनको खरीद सके और यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है इन चावल को खरीदने की तो आखिर मुद्दा क्या बना मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा अगर ध्यान से सुनेंगे आर्टिकल को ऐसे सुना करो कि आज सुन ले तो आज के बाद में सुनने की जरूरत ना पड़े इस तरीके से सुनना ठीक है बात करते हैं बात की जा रही है कि पहले यहां पर परबोल्ड जो राइस है वो क्या होते हैं बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू चावल को निकाला जाता है अगर मैं आप लोगों को समझाऊं जैसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पेड़ी है ठीक है उसको बाद में क्या किया जाता है इसको वाटर में सोक किया जाता है लगभग तीन से लेके पांच घंटे तक का और जो पानी रहता है वो पैंसठ से लेके सत्तर सेंटीग्रेड का डिग्री सेंटीग्रेड का आप लोग को देखने को मिलेगा फिर यहां से इसको पानी से निकाला जाता है और फिर यहां पर इसको बेसिकली स्ट्रीमिंग की जाती है ठीक है सेम लेवल पर फिर इसको बेसिकली क्या किया जाता है इसको सुखाया जाता है सुखा दोस्त सुखा या तो वैसे आप लोग इसको एक तरीके से सुखा सकते हैं मोस्चर कंटेंट भी इसमें रह जाता है लगभग इसमेंट के करीब तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी कहने का मतलब यह कि चावल को पानी में डालकर फिर उबालकर फिर सुखाया जाता है तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और ये प्रोसीजर करने में यहां पर अलग अलग राज्य जो है उनके द्वारा ये प्रोसीजर किया जाता है ये चावल के इस प्रोसीजर के चलते चावल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ये माना जाता है तेलंगाना जो है यहां पर सबसे ज्यादा ये काम करता है लगभग सिक्सटीन पॉइंट फाइव टू

जो ये राइस है एक तरीके से ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है जब यहां पर ये काम किया जाता है इनके साथ में ठीक है उनको पहले उबाला गया फिर उनको ठंडा किया गया वो सारी चीज देखने को मिलती है ये बेसिकली फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर में यानी कि पुराने टाइम से ठीक है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी कि ये चावल ऐसे होगा क्योंकि सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं जैसा जिसको लगता है उसके हिसाब से उसमें चेंज कर ले जाता है तो यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फूड मिनिस्ट्री जो है यहां पर वो ऐसे है इसके बारे में बातें करते हैं पर लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं है अगर बात करें यहां पर सेंट्रल फूड जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहां पर एक प्रोजेजर देता है जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया ठीक है तो ये प्रोजेक्टर जो है यहां पर ये यह इसी इंस्टीट्यूशन का है जो कि यहां पर ये यह बताता है ये इसके द्वारा एक प्रोजेजर दिया गया कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तो इसमें जो मैंने आप लोग को बताया ये कॉमन रहता है बेसिकली फिर उसके बाद में इसको पानी में डालकर निकाल कर सुखाया जाता है तो कई बार इसको इसे धूप में सिखा लिया तो वो भी एक प्रोजेजर आप लोग को देखने को मिलेगा जब इनको पानी से निकाला जाता है तो यहां पर राइस जो है वो कुछ येलो इस कलर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब आप लोग इनको कंपेयर करते हैं जो हमारे व्हाइट राइस होते हैं इनके पानी में डालकर उबाल कर सुखाए जाने वाले आलू आलू बोल रहा जो चावल है उनकी जो कलर है आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा तो ये चावल जो है यहाँ पर अभी आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से अगर बात करू तो मेनली इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो यहां से खरीदे नहीं गए आखिर क्यों नहीं खरीदे गए जब इतने सारे चावल देखने को देश के अंदर मिल रहे हैं लगभग 40 लाख के करीब आप लोगों यहां पर जो मैट्रिक टन हमारे देश में चावल देखने को मिलते हैं अभी अप्रैल के अगर महीने की बात करें दो के तो ये डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है सेंटर ने अभी क्या किया यहां पर कुछ तो हमारे यहां से जो चावल है हमारे देश के अंदर से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया अलग अलग रीजन से जैसे कि कुछ यहां पर बेसिकली सेंटर ने प्रोक्योर किए 1.36 पॉइंट ये यहां पर ये अगर बात करें लाख मेट्रिक टन राइस फ्रॉम तेलंगाना दो हजार में यानी कि तेलंगाना से लास्ट ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिला चावल जो है वो खरीदे गए थे खरीफ जो सीजन के के लिए पर लेकिन अगर अभी के बारे में आप लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड और उड़ीसा से खरीद लिए यानी कि पर पर आप लोगों को 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 झारखंड देखने देखने मिलेगा मिलेगा और उड़ीसा तो इन दोनों से यहां पर ये चावल खरीद लिए और यहां पर नॉर्मली अगर बात करें प्रोक्योरमेंट जो था तेलंगाना से वो प्रोक्योरमेंट यहां पर देखने को नहीं मिला उसके लिए मना कर दिया कि हमारे पास में अभी इसका कोई प्लान नहीं है तो इसके चलते तेलंगाना को जो है वो गुस्सा आ गया उसने बोला ऐसे कैसे काम चलेगा इतना सारा हमारे यहाँ पर ये चावल रहता है और सेंटर अगर प्रोक्योर नहीं करेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे कैसे चलेगा भैया तो ये सारे इशू यहाँ पर देखने को मिले तो इसी के चलते ये जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ गया उनके द्वारा धरना देना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया ठीक है हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके फायदे नुकसान में आप लोगों को बता देता हूं पहले अगर बात करें इसको बेनिफिट क्या रहता है और डिसएडवांटेज क्या रहता है जब हम लोग चावल को यहां पर बेसिकली पर बॉइलिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि चावल जो है यहां पर वो थोड़े टफ हो जाते हैं ज्यादा यानी कि जितने टफ चावल नॉर्मल रहते हैं उससे ज्यादा टफ हो जाते हैं टफ होने की वजह से पर जो करनेल हैं वो टूटते नहीं है कई बार किन की चावल हो जाते हैं छोटे छोटे चावल हो जाते हैं आप लोगों ने नॉर्मली अगर थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा तो आप लोगों को पता होगा जो चावल टूट जाते हैं ना छोटे छोटे चावल हो जाते हैं उनकी खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है ठीक है नॉर्मली जब भी खिचड़ी बनाई जाती है तो आप लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा ठीक है खीर, खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है और खीर भी उनकी ठीक बन जाती है पर लेकिन अगर चावल बनाने पर्टिकुलर खाने के लिए दाल चावल या फिर राजमा चावल या फिर छोले चावल या फिर पनीर चावल मतलब इन जो मैंने नाम लिए हैं अभी इनमें से कौन सा आप लोगों का फेवरेट है ये बताइए पहले तो ठीक है मुंह में पानी तो नहीं आया कोई <laughs> से के ऊपर से नींबू डालने को नहीं बोलूंगा क्योंकि नींबू जो है बहुत महंगा है ठीक है तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो आपको सारी चीजें बताई गई हैं यहां पर दाने टूटते हैं छोटे छोटे दाने हो जाते हैं अगर ये प्रोजर के थ्रू चावल निकल जाते हैं तो दाने टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं तो पर बॉइलिंग जो है वो इंक्रीज कर देती है न्यूट्रिशन वैल्यू राइस की ये भी बात बोली जाती है और यहां पर पर बॉइल्ड जो राइस है उनके अंदर हाइयर रेजिस्टेंस रहता है इंसेक्ट लगने का या फिर एक तरीके से जो फुईने लगती है जो फंज, जिसको आप लोग फंजी बोलते हैं फंगाई बोलते हैं ठीक है ठेके? फंगस लग जाते हैं जो बेसिकली वो भी देखने को नहीं मिलता है तो ये इसके फायदे देखने को मिलते हैं इसलिए यहां पर इसको फॉलो किया जाता है पर लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ये आप लोग जानते हैं तो नुकसान भी होंगे कुछ जी हाँ बिल्कुल है वो क्या क्या बता देता हूं राइस जो है वो ज्यादा डार्क से हो जाते हैं जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को राइस जो है वो थोड़े से येल्लोइ कलर में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो परबोल्ड राइस नजर आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो परबोल्ड राइस है यहां पर ये ये अगर बात करें इनके अंदर में हाई इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो यहां पर नॉर्मल राइस निकाल के ले कर लेकर आते हैं यानी कि इसको करने का प्रोसीजर थोड़ा महंगा हो जाता है ठीक है और इसके अंदर थोड़ी सी एक तरीके डिफरेंट तरीके की स्मेल भी आती है आप लोग खुद देखिए

तो ऐसा है कि यहां पर आप लोग जनरली कर सकते हैं सबको पर लेकिन वो वैरायटी जिसके अंदर से थोड़ी सी एरोमेटिक यानी कि थोड़ी सी खुशबू आती है उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद में हाँ पर वो अपनी जो खुशबू खुद की है जो नेचुरल उसकी खुशबू है वो यहां पर लॉस हो जाएगी ठीक है तो यहां पर जो पेडी प्रोसेसिंग रिसर्च जो सेंटर है ये कहां पर है हमारे देश में ये है बेसिकली थंजावुर के अंदर और ये थंजावुर कहां पर है किस राज्य के अंदर ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक है इसके बारे में आप लोग बताइए तो इसके बारे में बात की जा रही है तो यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग प्रोसीजर और भी फॉलो किए जाते हैं ठीक है बाकी यहां पर तीन स्टेज का रहता है जैसे बात की बात की जा रही है यहां पर सोकिंग ठीक है स्टीमिंग और इसी के साथ में ड्राइंग इनके सुखाना तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये पूरा प्रोसीजर है इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए फूड जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में वो पर वर्ल्ड राइस जो है पर एनम जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ताकि लोगों को अच्छा खासा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल सके मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर वर्ल्ड राइस जो है वो बेसिकली कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली थोड़े से डाउन किए गए हैं कई सारे रीजन की वजह से हालांकि अगर बात करें यहाँ पर कई सारे राज्य में इनकी संख्या जो बढ़ गई है जैसे झारखंड केरला तमिलनाडु जहां पर अभी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एक्सीआई जिसको आप लोग बोलते हैं वो हमारी कंट्री में प्रोक्योरमेंट का काम करें हैं ये सारे चावल को इस तरीके से ठीक है तो वहां से अभी बड़ा है तो स्टॉक भी है यहाँ पर हमारी कंट्री में सफिशियंट ये माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से बात करें तो कई सारी कंट्री जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर बात करें चाइना में सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर यूज होता पाया जाता है इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा यूज होता है इंडोनेशिया के अंदर बांग्लादेश वियतनाम थाईलैंड म्यांमार तो ये वो देश हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इसकी मार्केट है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है ठीक है बाकी अगर चावल के बारे में मेनली आप लोगों से मैं बात करूं देश के अंदर तो आप लोग याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइस के बारे में ये कैसी फसल है ये खरीफ फसल है गेहूं कैसी फसल है मैंने आप लोगों को वीट के बारे में डिस्कस किया था तो वीट कैसी फसल है आप लोग बताइए गेहूं कैसी फसल है ये खरीफ फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी टेम्परेचर लगभग ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर क्योंकि चावल की खेती के बारे में आप लोग को पता है धान जो है वो हमेशा पानी में खड़ा रहता है तो इसीलिए बोला जाता है कि पंजाब जैसे रीजन में चावल नहीं उगाने चाहिए क्योंकि वहां पर पानी की कई बार खपत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है नॉर्थ और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया में और जो डेल्टिक जो रीजन है वहां पर चावल काफी ज्यादा उगाए जाते हैं मोटे मोटे तौर पर बोले सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाए जाते हैं तो वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और पंजाब ठीक है तो ये ये हो हो गया गया वेस्ट बंगाल हो गया उत्तर प्रदेश और आप लोगों को को पर देखने को मिलेगा पंजाब यहां पर सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है पंजाब के अंदर तो जब से यहां पर ग्रीन रेवल्यूशन देखने को मिला तीन तीन तक खेती ले, ले लेते हैं एक साल के अंदर में इसके चलते यहां पर पानी की काफी ज्यादा खपत होती है और इसको चलते क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसकी वजह से यहां पर काफी सारी दिक्कत ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती है तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो क्या क्या बात की इस आर्टिकल के अंदर में हम लोगों ने पहले तो यह देखा कि ये न्यूज में क्या है तेलंगाना की वैसे राइस क्या होते हैं अब कंफ्यूजन है या फिर नहीं बताइए क्या प्रोसीजर होता है इनका कलर चेंज होता है किस किस राज्य में सबसे ज्यादा यहां पर ये राइस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके बारे में यहां पर क्या किन किन सब चावलों को कर सकते हैं नहीं कुछ ऐसे चावल जिनको नहीं कर सकते फायदे और नुकसान इसके क्या देखने को मिलते हैं वो मैंने बता दिए देश में चावल सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जाते हैं वो बातें हम लोगों ने देख ली इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी मार्केट कहां कहां पर है वो भी हम लोगों ने देख लिया अब आप लोगों के सामने होंगे क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को करना है बोला जा रहा है, कि यहाँ पर बेनिफिट्स ठीक है? तो यहां पर, आप को यहाँ पर देखने की कौन सी करेक्ट या फिर है। ध्यान करेक्ट है पर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो बोला गया है वो बातें की जा रही है और करनेल जो है वो नहीं हो पाता है इनके नहीं टूटते हैं इसलिए ठीक है पेबोलिक राइस जो है वो इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू और ये हाइयर रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं फंजाई और या फिर इंसेक्ट्स को तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है तो ए में बोला गया वन एंड टू B में बोला गया टू एन थ्री सी में बोला गया वन एन थ्री और डी में बोला गया नन ऑफ द अबो सही आंसर क्या है ए बी सी एफ डी तो याद रखिएगा अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर जो था वो यहां पर हो जाता ऑल ऑफ द अबो पर लेकिन यहां पर नन ऑफ द अबो है तो आंसर इसका डी हो गया क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट जो मैंने आप लोग को बताई है वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी है तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है खरीप क्रॉप के बारे में इंडिया के अंदर में और यहां पर बेसिकली यूपीएससी में हाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया अभी अगर आप लोगों को जो मैंने बातें पढ़ाई हैं उसको भी अगर यूज करोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन निपटा दोगे आप लोग बोला गया एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज हाइएस्ट ठीक है यानी कि देश के अंदर में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो राइस कल्टिवेशन का है अगर यहां पर आप लोग देखोगे पहली स्टेटमेंट में और दूसरी स्टेटमेंट में वन दे रखी है

ऐसा नहीं है कल्टीवेशन गन्ने की खेती अगर आप लोग देखोगे ये बेसिकली फिलहाल के टाइम पर बढ़ती बढ़ती जा रही है जिन एरिया में गन्ने उगाए जाते हैं उन किसानों ने आज के सारी चीजें छोड़कर गन्ने उगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि गन्ना एक कैश आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बार लगाने के बाद में पहली टाइम पर अगर बात करें काटने के बाद में फिर दूसरी फसल देता है और कई बार तो तीसरी फसल भी देता है तो गन्ने की खेती जो है वो बढ़ती बढ़ती जा रही है तो अगर किसान के घर से आप लोग निकल के आते हैं तो ये बात भी आप लोग जानते होंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत होगी तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया सीधा सीधा आंसर ये हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं सारी चीजें किताबों में नहीं लिखी होती हैं और सारी चीजें पढ़ाई भी नहीं जाती हैं पर हां अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आप लोग दे दोगे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एरिया ऑफ कल्टिवेशन अगर एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन मोर देन दैट ऑफ द सुगर कैन जो यहां पर कल्टिवेशन जो कॉटन है वो ज्यादा है सुगर कैन की कंपेयर में ये बातें बोली गई हैं ठीक है ठेके? तो ये आज का बेसिकली क्वेश्चन का आंसर हो गया कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर कुछ आप लोगों के सामने पॉइंट भी है जैसे राइस के बारे में को यहां पर बात करें कोरेस सीरियल के बारे में ऑयल सीड शुगर कैन कॉटन के बारे में तो यहां पर कल्टिवेशन के बारे में आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा जो राइस है ठीक है इसके बाद में सारी चीजें आप लोगों के सामने दे रखी यहां पर कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए ठीक है एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है यूपीएससी 2013 हजार तेरह में क्वेश्चन पूछा गया ख्रीप क्रॉप कौन सी यहाँ पर ये यह आप लोगों के सामने बड़े ही आसान सा क्वेश्चन अगर बोला जाए तो सीधी सीधी क्वेश्चन है बेसिकली अगर बोला जाए तो बात की जा रही है कॉटन ग्राउंड नट राइस और यहां पर वीट ठीक है तो अभी आप लोगों को पता है मैंने अभी अभी आप लोग क्या बताया अभी बताया जो राइस है वो क्या है बेसिकली क्रोफ है तो यानी कि ये वाला खत्म हो गया आप लोगों का एक एक स्टेटमेंट आप लोग यहां पर चलेगी क्योंकि उसके अंदर राइस नहीं है ठीक है जो वीट के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा मैंने अभी दो दिन पहले पढ़ाया कि आप लोगों को पता है वीट कौन सी क्रॉप है एक की रबी क्रॉप है और फोर्थ इसके अंदर नहीं आना चाहिए अगर फोर्थ नहीं आना चाहिए तो दो स्टेटमेंट आप लोग यहां पर यह चलेगी तो इस तरीके से आंसर जो होगा अब यहां पर बी और सी में से आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर में तो ये समझिए अब आप लोगों के 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 चांस चांस हो हो गए गए कि कि 50 50 हो क्वेश्चन होने के, जो पहले चांस थे ठीक है यानी कि पहले 20 चांस थे अभी यहां पर आप लोग के यहां पर फिफ्टी परसेंट चांस हो गए पहले वन बाय सॉरी फोर्थ चांस थे ठीक है तो ऐसे आप लोग यहां पर क्वेश्चन को देख सकते हैं सही आंसर यहां पर क्या है सही आंसर है इसका सी ठीक है तो सी आंसर यहां पर इसका सही होगा यानी कि वीट नहीं है बस ओनली यहां पर बाकी की ये सारी की सारी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी ये कौन से सीजन की है ये खरीफ सीजन की क्रॉप आप लोगों के सामने निकल कर आती है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए इन चीजों का कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके तो टॉपिक के साथ में तीन क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के यहाँ पर कवर करा दी जिसमें से दो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे एक ही आप लोगों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट या फिर आप लोग नॉर्मल तरीके से एडिटोरियल बोल लेते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं एक बड़ा आर्टिकल है यहाँ पर ये आज के न्यूजपेपर में मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है मुद्दा ये देखने को मिल रहा है आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा राजस्थान के अंदर में हमारी कंट्री का एक मिग ट्वेंटी जो है वो क्रैश हो गया इसको उड़ता हुआ मौत का ताबूत भी बोला जाता है यानी कि ये उड़ता हुआ मौत का ताबूत है मिग ट्वेंटी आप लोग ऐसा बोल सकते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारी कंट्री में जो पायलट हैं उनकी जान जा चुकी है पर लेकिन हम लोग इतने अमीर भी नहीं है कि एक मिनट में यहां पर इनको चेंज कर दें और यहां पर नए खरीद लें पर मुद्दा क्या है यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम लोग जो ये चीजें देखने को मिल रही हैं उन्नीस से लेकर अगर आप लोग इसको काउंट करोगे तो इसमें लगभग 200 से भी ज्यादा हमारे जो ट्रेन पायलट हैं उनकी जान जा चुकी है तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने शानदार अपने जवान जो हैं वो हम लोगों ने यहां पर खोए हैं और अभी जो यहां पर जो अभी इसी पर्टिकुलर एक इंसिडेंट में जो राजस्थान के अंदर हुआ है तो एम राणा और इसी के साथ में आदित्य बाल दो हमारे जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और विंग कमांडर जो थे ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे ओनली इस पर्टिकुलर जहाज की वजह से तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज़ है वैसे देखा जाए हमारी कंट्री में आज के डेट में फोर्टी टू सेंक्शन जो जो एयरफोर्स के पास में स्क्वाडन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है जिसमें से ओनली थर्टी जो है वो फाइटर कैटेगरी में आते हैं तो ये है यहां पर अभी चीजें जो है वो चेंज की जा रही है देश के अंदर में बोला यह गया था कि ये मिग ट्वेंटी टाइप के जो हमारे पास में जहाज हैं इनको मार्च में बोला गया था इनको बेसिकली खत्म करने के लिए पर लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी अगस्त के महीने में तो सो सो अगर यहाँ पर इसे मार्च में हम लोग इसको हटा देते तो कम से कम जो ये दो अभी हमारे जो एक बहुत बेहतरीन पायलट जो है हमारे बीच में नहीं रहे तो हम लोग इसको बचा सकते थे तो ये जरूरी है कि जितने लंबे समय से हम लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं उतने लंबे समय से यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है और खासकर देखिए यार ट्रेंड पायलट आना कोई आसान चीज नहीं है मैं आप लोगों को बताऊँ एस एस दिया था मैंने बेसिकली एयरफोर्स का भी तो पायलट बनने का काफी मन में इच्छा थी कि यार जिंदगी में मतलब पता नहीं क्या अंदर से फीलिंग आती थी क्योंकि मेरे मामा जी एयरफोर्स में ठीक है तो मुझे लगता था उनकी ड्रेस देख के वाओ यार मतलब एक अच्छी फीलिंग आती थी और हमेशा जब भी मैं भी जब भी मैं एस देने गया हूँ मैंने ठीक है तो एफकेट के थ्रू एस देने गया था ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि अंदर से फीलिंग लेकर आती हैं देश के लिए पर लेकिन जब वहाँ पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है तो फिर ये भी लगता है ये चल क्या रहा है तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कम से कम और जल्दी से जल्दी जो ऐसी चीज़ें होती है खासकर जिसमें हमारे जो जवान हमारे पायलट जो है उनकी जान जा रही है तो ऐसी चीजों को तो जल्दी से जल्दी हम लोग को चेंज करना चाहिए इनमें तो कम से कम डिले नहीं होना चाहिए तो ये रिसेंटली भी अभी इंसिडेंट देखने को मिल रहा है और ये ऐसी चीजें मिलती रहती हैं तो ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर फोकस करना चाहिए तो एक आर्टिकल है बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो जैसा मैंने आप लोगों को बताया वो ये पर्टिकुलर जो बीमारी है ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं लिंपिया जो स्किन डिजीज तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी काफी लार्ज स्केल पर केसेस इसके राजस्थान में और गुजरात के अंदर देखने को मिले तो ये इसकी वजह से न्यूज में आ गई तो पूरी बीमारी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ठीक है ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये खासकर इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से कई सारे जानवरों की डेथ होती है अभी नजर आई देश के अंदर में बोला गया थर्टी नाइन एनिमल जो है वो अभी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो डेथ उनकी डेथ हो गई है ये यहाँ पर अभी देखने को मिला गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया यूपीएससी जीएस पेपर थ्री में इसी के साथ में आप लोग यहां पर बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं जीएस पेपर टू में हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर इन सब चीजों के बारे में जीएस पेपर थ्री में भी आप लोग बात कर सकते हैं तो यहाँ पर टू एंड थ्री दोनों पेपर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे अभी हुआ क्या इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसको बोलते हैं एल एस डी एल एस डी यानी कि इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली लंपी स्किन डिजीज तो जो यहां पर ये लंपी स्किन डिजीज है अभी हमारे देश में एक हजार दो सौ उनतीस केटल अक्रोस द फाइव डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात के अंदर में अभी अफेक्टेड पाए गए इस बीमारी की वजह से और ये एक काफी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जाता है और एक वायरल डिजीज है तो कई बार आप लोगों से बीमारी के बारे में जब पूछा जाता है तो बोला जाता है बैक्टीरियल है वायरल है या फिर फंगस की वजह से हो रही है तो ये आप लोगों को चाहिए कि यह जो बीमारी है ये जानवरों में लगती है और ये एक वायरल डिजीज है थर्टी नाइन के करीब एनिमल जो हैं ये यहां पर बताया गया अभी कई सारे एरिया में इनकी डेथ हो गई है कहां, -कहां पर सिक्स जो काओ छह गाय की डेथ हो गई है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आठ जामनगर में इक्कीस द्वारिका में और चार पोरबंदर में तो ये मैं आप लोगों को ओनली गुजरात का डेटा आप लोगों को बता रहा हूं जहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली है तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है वरना आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि हमारा देश जो है हमारा देश है इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज्यादा डिपेंडेंट है जो भी यहां पर हमारे जानवर होते हैं खासकर एक जो जो अगर बात करें जो फार्मर का परिवार होते हैं तो उनके लिए तो ये गहना होते हैं जो अगर जानवरों को कुछ हो जाए तो ये समझो कहानी खत्म हो जाती है आप लोगों मैंने बताया था कुछ दिनों पहले कि हमारे घर में एक भैंस थी उसकी डेथ हो गई थी तो ये ऐसे इशू देखने को मिलते हैं ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर चला गया है बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है जब किसानों के घर में से कोई जानवर जाता है तो अब ये जो बीमारी है इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं आप लोग को थोड़ा सा डॉक्टर बनाता हूँ इस बीमारी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए किसी को देखने को मिले तो आप लोग सजेस्ट भी कर सके ये जो बीमारी है कि स्किन बीमारी है और ये जो परिवार है इस बीमारी का जहां से निकल कर आती है जो डिजीज ये वायरस की वजह से होती है तो वायरल बीमारी है और पॉक्स वर्डे ये एक परिवार है जिस परिवार से निकल कर आती है उसको पॉक्स वर्डे बोलते हैं तो यानी कि ये वायरस का परिवार है जहां से ये बीमारी निकल कर आती है और इसी के साथ में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है निथलिंग वायरस ये है वायरस का नाम जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यानी कि ये होता क्या है जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी के ऊपर में फुंसियां हो जाती हैं फुंसियां फूटती हैं फिर उसमें से मतलब जो नहीं जो कुछ कहीं कई कही तरीके कई कलर का आप लोगों ने देखा होगा कई बार मुआद हो जाती है ठीक है उसमें से ब्लड निकलता है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चट्टे से हो जाता है और फिर ये इस तरीके फूंदी होकर ये फूटते हैं तो ये गलने लगते हैं फिर तो ये बीमारी यहां पर देखने लगती है तो ये जो वायरस है ये है नथलिंग वायरस जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है और ये जानवरों की जान जाती है ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता कैसे है यानी कि इसका वेक्टर क्या कैस, है स्प्रेड कैसे होता है यहां पर तो ये एक तरीके से जो भी जो ब्लड लेने वाले जो एक तरीके से नहीं जो यहां पर जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अगर कोई वायरस मच्छर या कोई वायरस चूहे के अंदर में तो चूहे ने जो है बेसिकली मच्छर ने जो है चूहे को काटा ठीक है चूहे जो है फिर यहां से कहां पर आ गया वो यहाँ पर सॉरी मच्छर ने चूहे को काटा और फिर मच्छर जो है या फिर मक्खी जो है वो वहाँ पर उस वायरस को लेकर इंसानों तक आ गई हमारे खाने पर बैठ रही है या फिर हमको काट रहे हैं तो ये वेक्टर होता है एक तरीके से जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं तो यहाँ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है तो ये हम लोगों को इसके चलते जो मच्छर जनित बीमारी होती हैं वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती हैं और ये फिर आगे चलकर एक जूनोटिक बीमारी हो जाती है जूनोटिक बीमारी वो बीमारियां होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हुई नजर आती है पहले जानवर थी अब इंसानों में फैल गई और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें हम लोग को जोनोटिक बीमारी के बारे में बातें करते रहना पड़ता है तो यहाँ पर ये इसका वेक्टर के बारे में अभी आप लोगों से बातें की तो यहाँ पर जहां पर ज्यादा हाई टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होती है यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा तापमान होता है और आर्द्रता होती है तो वहां पर ये इसके एसोसिएटेड फैक्टर हैं ये बीमारी और ज्यादा फैलेगी वहां पर ओरिजिन कहाँ से हुआ अगर पूछा आप लोगों से तो यहाँ पर में में 1929 में पहली बार इस बीमारी के बारे में पता चला हमारे देश में सबसे पहले कहां पर पता चला तो उड़ीसा राज्य के अंदर में 19 में सबसे पहले पता चला और ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ऐसे ठीक है आज की डेट में लगभग पंद्रह से ज्यादा राज्य में ये फैल चुकी है सोलह महीने के अंदर में बीमारी और फैलती ही जा रही है सिम्टम्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ ऐसे स्किन पर चट्टे हो जाएंगे और ये फिर आगे चलकर ये पकने लगते हैं और पकने के बाद में फिर यहां पर ये फूटकर ये गलने लगते हैं और स्किन जो होती है अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो इन जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि यहाँ पर उठा उठा हो गया इस तरीके से तो पहले जैसे गर्दन पर आप लोग यहाँ पर दिख रहा है उठा उठा हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ उभरा उभरा हो जाएगा और पूरा अगर आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फिर इसका मुंह खुल जाएगा अंदर से ठीक है तो फिर वो वहाँ पर गलने लगते हैं तो ये पूरी बॉडी इस तरीके से बर्बाद करती है जानवरों की और जानवर जो है एक तरीके से इसको सहन नहीं कर पाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है अगर पूछा जाए क्या यहाँ पर ये यह कितनी ज्यादा डेथ होने वाली है तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा आप लोगों को दो शब्द बताता हूं जो कि आप लोग मोर्टेलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और दूसरा यहाँ पर मोर्बिलिटी तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी में क्या डिफरेंस है अगर मैं आप लोगों से पूछू वीडियो को पोज कर कर आप लोग आंसर दीजिए उसके बाद में फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा दो शब्द हैं जो कि कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर ले जाते हैं लोगों के द्वारा कि हाँ एक ही शब्द है कि एक ही बात है पर ऐसा होता नहीं है तो मोरबिडिटी का मतलब ये होता है कि अनहेल्दी यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कोविड नाइनटीन के टाइम पर कि वो इंसान को और ज्यादा बीमारी फैल रही है जिसको दूसरी बीमारी है यानी कि ऑलरेडी वो अनहेल्दी है उसको कोविड नाइनटीन की बीमारी लग गई तो उस इंसान का राम नाम सत्य हो गया यानी कि उसकी डेथ होगी तो ये एक तरीके से मोरबिलिटी जो ऑलरेडी अनहेल्दी है उसके अंदर देखने की सिचुएशन होती है वो मोर्बिलिटी ठीक है थे, थे? तो मोर्बिलिटी जो है अगर बहुत बात करें आप लोग ये एक तरीके से उसमें और ज्यादा लोगों को बीमारी पकड़ने के चांसेस होते हैं यानी कि ऑलरेडी ऐसा परिवार जहां पर बीमारी के घर बना हुआ है बहुत सारे लोग बीमार हैं तो मोर्बिडिटी जो होगी वो और ज्यादा उसको बढ़ाती हुई नजर आएगी और मोर्टिलिटी का मतलब तो है कहानी खत्म होगी यानी कि ये इसका नेक्स्ट वर्जन होता है ठीक है यानी यानी कि कि ये ये तो है है स्टार्टिंग वर्जन और ये है इसका अंतिम अंतिम संस्कार हो गया तो मोर्टिलिटी इंसान की डेथ होगी तो लंबे समय तक जिसको कोई मोर्बिडिटी है बीमारी है अनहेल्दी है तो उसकी डेथ हो जाती है तो ये आप लोगों को मोर्टिलिटी देखने को मिलेगा तो यहां पर मोर्टेलिटी के बारे में बात कर रहा हूं यानी कि मोर्टेलिटी का रेट क्या है तो मोर्बिडिटी जो है अगर बात करें वो वेरी करती है कि दो से लेकर यहां पर पैंतालीस प्रतिशत तक यहां पर देखने को मिल सकती है पर लेकिन मोर्टिलिटी जो है वो लेस देन दस है यानी कि इस बीमारी के होने की वजह से ये जो अनहेल्दी हो जाते हैं वो तो दो से लेकर पैंतालीस प्रतिशत तक हो जाते हैं वरना जानवर ठीक भी जाते हैं पर लेकिन जो यहां पर डेथ होती है अगर सो जानवरों को यह बीमारी हो रही है तो दस की लगभग डेथ हो जाती है तो ये इस तरीके से बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी और जो और ज्यादा खतरनाक इस बीमारी को बनाता है वो है नो ट्रीटमेंट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बस वो ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलता हूं ना मास्क लगा लो तो मास्क लगाना प्रिवेंट करना है बाहर से आओ तो हाथ धुल लो तो वो प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट आप लोग कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू और वैक्सीनेशन और मेडिसिन में डिफरेंस आप लोगों को बताया था मैंने वैक्सीनेशन होती है जो बीमारी होने से पहले दी जाती है जैसे कोविड नाइन्टीन का वैक्सीनेशन मिला आप लोगों को मेडिसिन नहीं मिला है वैक्सीनेशन आप लोगों को कोई बीमारी फ्यूचर में ना उसके लिए दी जाती है

कल को चलकर जानवर था घर में उसकी डेथ होगी तो इकोनॉमिकली एक काफी इंपैक्ट डालेगा एक किसान परिवार की फैमिली पर अगर एनिमल की ऐसे डेथ हो जाती है ठीक है वो तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा नॉर्मल चीजें बताइए मैंने ठीक है इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग बात करें ये जो स्किन है उसको तो बर्बाद करती है कमर्शियल वैल्यू जो है एक तरीके से वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि जो डिजीज है यहाँ पर वो जानवरों को तो बर्बाद करती है साथ ही साथ में किसानों को भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालकर यहां पर जाती है जो कि हम लोगों को बात करनी चाहिए इसके बारे में और इसको रोकने के सारे उपन सारे प्रयास हम लोगों को करने चाहिए ये छोटी सी स्लाइड है जो आप लोगों के लिए डाल दी गई यहां पर इस बीमारी के लिए पर्टिकुलर जैसे 28 डेज में यहां पर पूरा इस बीमारी का पता चलता है पर लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े सिम्टम जो है सिक्स से नाइन डेज में पता चलने लगते हैं ये जो बीमारी फैलती है बफेलो फैल में आप लोगों को सब जगह देखने को मिलेगी जो खासकर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और ये यहाँ पर वेक्टर देखने को मिलेंगे मच, म, मक्खी हो गई मच्छर हो गए ये जिसकी वजह से यहाँ पर फैलती है ठीक है तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में अगर बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बात करती है क्योंकि अगर जानवरों की दिक्कत हो रही है तो आप लोग समझे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे खाने के यूज़ करते हैं जो जानवरों से निकल कर आते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर कवर करा देता हूँ जो कि यहाँ पर इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है दुनिया में उसके बारे में बात करती है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेसन एफ एस इसको बोलते हो ये बनाई गई थी 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबिक कनाडा के अंदर इसको बनाया गया था पर लेकिन हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका इटली रोम के अंदर देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करती है कि लोगों को खाना पीना मिलता रहना चाहिए तो लेट देयर बी ब्रेड तो ये बात करती है और एक काफी इंपोर्टेंट रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है और रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है अभी देखा होगा कई सारे क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजेशन से बने एग्जाम में और रिपोर्ट भी पूछी जाती है तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो यहीं से निकल के आता है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अपनी जो है उसको इंक्लूड करके चल सकते तो हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खैर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए तो ये पूरी बीमारी और इसके बारे में पूरी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली ठीक है फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों लोग आर्टिकल कोई भी कंफ्यूजन हो तो खासकर आप लोगों को उसको दूर करके आगे बढ़ना है ठीक है और जैसा मैं बोलता हूं रिकॉल जरूर किया करो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अगर चीजों को लंबे समय तक आप लोग याद रखना चाहते हैं जितना रिकॉल करोगे उतनी अच्छी चीजों को याद भी रख पाओगे और आने वाले टाइम में जब एग्जाम में बैठोगे तो सारी चीजें आप लोग एक तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे सारे क्वेश्चन ठीक है ठीके? तो यह था पूरा आर्टिकल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए न्यूज एनालिसिस के अंदर कुछ टॉपिक तो मैंने आप लोग कवर करा दिए जैसे कि जियो वाला टॉपिक हो गया यहाँ पर इसी के साथ में ईडी वाला टॉपिक हो गया अभी यहां पर आप लोग कुछ और टॉपिक देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर बात की जाए यहां पर जीएसटी के बारे में टॉपिक यहां पर आ रखा है जीएसटी जो है वो बोला जा रहा है कि काफी बर्डन अभी यहां पर लोगों के ऊपर डाल रहा है तो ये सही नहीं है तो इसके बारे में कई सारी बातें निकल कर आ रही है तो जीएसटी जो है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो किसानों के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लगाया गया तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इसका रिजन देखने को मिला जीएसटी कलेक्शन जो है यहां पर यह बात की जा रही है कलेक्शन जंप हो गया ट्वेंटी ऑन द इम्पोर्ट्स तो ये अभी हाँ पर जीएसटी कलेक्शन की जो अभी न्यूज निकल कर आ रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है जीएसटी का काउंट किया जाता है ठीक है तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज देखने को मिल रही है बाकी मोंग की पॉक्स के बारे में पूरा न्यूज पेपर भरा पड़ा है तो आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि एक आर्टिकल भी था इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चु कई बार तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है पर लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिपल लेयर मास्क लगाने की बात की जा रही है लगभग 20 दिन से भी ज्यादा यहाँ पर क्वारेंटीन की बात की जा रही है तो की जो है वो ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है अभी फिलहाल और केसेज जो है अभी ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर बॉडी है एक इंसान की डेथ होगी उसकी बॉडी को चेक किया तो उसके अंदर मूंग की देखने को मिला है। आप लोगों को पता है कि सामने चीजें कम दिखती हैं पहले अंडरग्राउंड चलती रहती हैं बहुत सारी तो उसकी वजह से कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा देखेगा ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक जो न्यूज निकल कर आ रही है ये तो ये सारी न्यूज इसके बारे में होगी यहां पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर साहब हैं उनके द्वारा भी एक रिमार्क किया गया किसके बारे में यहां पर ये यह बेसिकली ये बोला गया कि मुंबई जो है वो इसलिए सर्वाइव कर रही है क्योंकि गुजराती और राजस्थानी यहां पर आकर रहते हैं अगर वो यहां से चले जाए अपनी एक तरीके छोड़कर चले जाए तो यहां पर मुंबई में कुछ नहीं रहेगा ऐसी बातें बोलेगी हालांकि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वो सही नहीं थी फिर इनके द्वारा माफी मांगी गई तो ये एक बात है ठीक है एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह अगर बात की जाए स्टेट स्पॉन्सर्ड जो बिरयानी फेस्टिवल है वो एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए जिसके अंदर बीफ होता है ये तमिलनाडु में एस सी कमीशन के द्वारा बोला गया आप लोगों मैंने बोला था अभी एक राज्य के अंदर में ये बोला गया कि पर्टिकुलर जो जैन का त्योहार रहेगा उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पर यहाँ पर जो भी जो ये बेसिकली जो दुकानें होती है खासकर जहां पर मीट वगैरह बेची जाती है उसको बंद किया जाएगा तो ये एक तरीके से चलिए आप लोग इसको ऐसा सोच रहे हैं उन दुकानों को बंद कर दे किसी रीजन की वजह से जो भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है पर लेकिन एक एक एंगल जो काफी इंपॉर्टेंट है वो काउंट करने वाला है जो कि यहां पर आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी रोजी रोटी उससे चलती है ठीक है तो उनकी रोजी रोटी चलती है मतलब उनके घर का लालन पालन उससे होता है तो कल को चलकर अगर कोई ऐसी चीजें आप लोग साइड में करते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन करना चाहिए ताकि उनके घर में पता चला लोग वह भूखे मरने लगे ठीक है तो कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव उनके पास में साधन आप लोगों को देना चाहिए ताकि दिक्कतें ना देखने को मिले वो सही है जो भी आप लोग करें पर लेकिन अरेंजमेंट जरूर करना चाहिए वही ना कि जैसे सड़कों पर जो जो खासकर जो खासकर ये क्या कहते हैं यानी अपने सामान बेचने वाले थे जो भी यहां पर स्ट्रीट वेंडर ठीक है तो जैसे कि कोई मतलब खिलौने बेच रहा है सड़कों पर कोई कुछ बेच रहा है तो जब कोविड नाइन्टीन लग गया उस टाइम पर कोविड नाइन्टीन की वजह से लॉकडाउन तो उस टाइम पर यह देखा गया इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी तो हम लोगों ने एक स्कीम लेकर आए थे जो मैंने डिस्कस भी की थी ऐसे नाम बनता है उसको बताइए क्या नाम है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो ये जरूरी है ठीक है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया यहां पर बाकी केरला के अंदर भी अभी यहाँ पर बहुत बुरी दिक्कत देखने को मिल रही है क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये इशू सामने निकल कर आ रहे हैं ठीक है सोलित साहब जो है यहाँ पर ये अभी इंडिया के अंदर आए हैं जो कि मोलदीव के प्रेजिडेंट हैं और अभी यहां पर मोलदीव के अंदर काफी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में आर्टिकल आएगा डिस्कस कर लेंगे डिटेल में टेंशन मत लेना ये ऐसे आर्टिकल हैं जो रेगुलर न्यूज में रहते हैं ठीक है बाकी जो एम सस्पेंड किए गए थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से तो ये यहां पर अभी उनका सस्पेंसन रिवोक कर दिया गया है पर लेकिन जो आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं उनको याद रखिएगा किस तरीके से क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं ठीक है अभी स्मृति ईरानी जी की जो लड़की थी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो एक गलत तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह चला रही है तो डेली कोर्ट ने बोला कि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर तो कई बार इमेज खराब करने के लिए कई सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि अभी यहाँ पर देखने को मिली ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जो अभी चाइना के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है तो बोला जा रहा है ताइवान के अंदर अगर जाती है यहाँ पर ये तो दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती है तो ये कई सारे इश्यू सामने निकल कर आ रहे हैं तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है तो बहुत सारे इश्यूज इसको लेकर भी सामने ठीक है बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि फर्स्ट शिफ ऑफ द यूक्रेन जो है वो गेहूं लेकर निकल चुका है उड़ीसा पोर्ट से उड़ीसा ये बेसिकली यूक्रेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये काफी दिनों से रुका हुआ था ताकि दुनिया में जो है खाना वगैरह प्रोवाइड कराया जा सके तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है ठीक है श्रीलंका जो है वो बोला है भाई सब खाना दे दो वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जैसी कंडीशन श्रीलंका के अंदर है ऐसी कंडीशन आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इराक के अंदर में तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है अगर इस सिचुएशन को सुधारा नहीं गया ठीक है तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है कंडीशन ये देखने को मिल रही है ये जो आर्टिकल है यहां पर ये यह भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां से क्वेश्चन आप लिए बन जाता